हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग तो आज सॉल्यूशन अपन करने जा रहे हैं एन एस बी स्टैंडर्ड एग्जाम ऑफ बायोलॉजी मैं ए आई पी टी के पेपर के सॉल्यूशन की बात करने जा रहा हूं बायोलॉजी की सिक्सटी क्वेश्चन है और इस सिक्सटी क्वेश्चन में जूलॉजी एंड बोटनी पोर्शन है जूलोजी पोर्सन मेरे सुनील सोरान और यतेंद्र सर के द्वारा आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा और

शो करना टर्टल बंद कर देगा दिस बिहेवियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल बिहेवियर से बना हुआ ये क्वेश्चन है और इस प्रकार का बिहेवियर जिसमें बार बार सिमिलर स्टिमुलस दिए जाने पे एनिमल रेस्पोंड करना बंद कर देता है कहने का मतलब इसको हम हैबिचुएसन कहते हैं और हैबिचुएशन के लिए शॉर्ट फॉर्म के रूप में अगर कंसेप्ट तैयार करें तो हम क्या कहेंगे फॉर सिमिलर स्टिमुलस मलर स्टीमुलस एनिमल नोट शो एनी रेस्पॉन्स नोट शोज रेस्पॉन्स ओके तो आंसर होता अपना सेकेंड चला जाएगा बाकी के ऑप्शन अपन और देख लेते हैं वॉट इज कंडीशनिंग कंडीशनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रीवियसली कोई एसोसिएटेड लर्निंग सॉरी प्रीवियसली कोई स्टिमुलस दी गई थी उस स्टिमुलस को एनिमल ने लर्न किया और उस प्रीवियस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग वो नई स्टिमुलस को पेयर करता है ओके इसका मतलब प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पर पेयरिंग होती है ये कंडीशनिंग कहलाता है तो कंडीशनिंग आंसर नहीं जाएगा एसोसिएटिव लर्निंग एसोसिएटिव लर्निंग एनिमल बिहेवियर का वो पार्ट है जिसमें कोई रिवार्ड या पनिशमेंट के द्वारा कोई चीज लर्न की जाती है कोई सिखा कुछ सिखाया जाता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल हम बात करें डॉग को कोई भोजन दिया जाना फूड दिया जाना और उसी के साथ वो बैल का बजाया जाना तो ये आपने वो देखा भी होगा स्लाइबेशन इन डॉग बाय इंपैक्ट ऑफ फूड या अफेक्ट ऑफ फूड इसे एसोसिएटिव लर्निंग के अंडर रखेंगे और एसोसिएटिव लर्निंग में सीखने के दौरान कोई पनिशमेंट या फिर कोई रिवार्ड दिया जाता है जिसके कारण एनिमल उसको एसोसिएट करता है प्रीवियस वन के साथ में ओके okay? काइनेसिस किसे कहते हैं काइनेसिस हो गया एक एनिमल का मूवमेंट एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के टुवर्ड एनिमल मूवमेंट शो करते हैं दिस वन इज नॉन एज काइनेसिस कहलाता है ओके okay? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था आंसर इसका सेकेंड चला गया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं डिंग मेटिंग सीजन द्री स्पाइंडी बैक फिश बिकम रेड द मेल स्टिकल बैकलियर इसका मतलब इन्होंने एक बात कही है कि मेल स्टिकल बैक अग्रेसिव बिहेवियर दर्शाएंगे और कब रेड वैलिड मेल स्टिकल बैक को देखने पर ऐसा होता है और एनी रेड कलर्ड ऑब्जेक्ट या तो वो मेल स्टिकल बैक को देखें उसकी वजह से अग्रेसिव बिहेवियर आएगा या फिर कोई रेड कलर ऑब्जेक्ट देखने पे भी अग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे या उनके नजदीकी में कोई रेड कलर का ऑब्जेक्ट होगा तो भी अग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे आइडेंटिफाई अनोदर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ बिहेवियर फ्रॉम नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं इस प्रकार के अनोदर एग्जाम्पल आपको शो करने हैं जिसमें एक पर्टिकुलर रेस्पॉन्स एनिमल दर्शाता है ठीक है और उस पर्टिकुलर रेस्पॉन्स के लिए कोई ना कोई स्टिमुलस का होना जरूरी है ओके तो मूव करते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पे फर्स्ट ऑप्शन की ओर मूव करें एक्सपोजिंग देयर गैप फॉर बींग फ्रॉम द पेरेंट्स मींस जब भी कोई चिड़िया या फिर कोई बर्ड अपने बच्चों को भोजन देने के लिए आते हैं तब तो वो बच्चे अपने माउथ को ओपन करते हैं उस पेरेंट की तरफ ओके okay? तो ये वाली चीज एक्चुअल में इसको भी सिखाया नहीं गया है इस ऊपर वाले क्वेश्चन में जो एनिमल बिहेवियर की बात की गई है इसमें किसी लर्निंग की बात नहीं है ये बाय बर्थ ही ये लर्निंग प्रेजेंट होती है ओके okay? तो फर्स्ट वाला ऑप्शन यही कह रहा है कि ये वाली बात इस एक्चुअल में उन चूजों को उन चाइल्ड को बर्ड चाइल्ड को सिखाया नहीं गया है कि पेरेंट आएंगे वो भोजन खिलाएंगे उस समय माउथ को ओपन करना होगा लेकिन इनिशियली इसमें लर्निंग शामिल है ओके एंड सेकेंड वन पर्सन रीगेनिंग बैलेंस ऑन लूजिंग हिज हर फुट होल्ड इसका मतलब फुट पैरोल्ड की बात की है अगर वहां से बैलेंस खोया जाता है तो पर्सन रीगेन कर सकता है बैलेंस को इसका मतलब बैलेंसिंग सेंटर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो दिस वन इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए डॉग सिटिंग डाउन ऑन बी पुल्ड बाई लीज अगर खींचा जाए तो डॉग जो है वो बैठने की कोशिश करता है या अपोज करने की कोशिश करता है उसका इसका मतलब इसमें भी एक प्रकार की लर्निंग शामिल है पहले की एन वॉर्म बरोइंग डीपर इन सोइल इन द डे टाइम एक वॉर्म दिन के समय आपको पता है लाइट से दूर जाने की कोशिश करता है इसका मतलब बरो में डीप जाने की कोशिश करेगा और इस चीज को सिखाया नहीं गया है ये बाई बर्थ ही ये लर्निंग इसके अंदर प्रेजेंट है इसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर चला जाएगा ऑप्शन नंबर वन भी अप्रोच कर सकता है लेकिन इसमें इनिशियली थोड़ा बहुत लर्निंग शामिल होता है कि इनिशियली वो जो चाइल्ड बर्ड्स हैं वो सोलो नहीं कर पाते हैं ऑब्जेक्ट को या जो भी पेरेंट उनके लिए भोजन लेके आए हैं उसको सोलो नहीं कर पाएंगे इसलिए ऑप्शन नंबर फोर इज मोर अप्रोप्रिएट आंसर अपना हो जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं इसको रब कर दें ओके ये ग्राफ आपको दिखाया गया है और इस ग्राफ में कहा गया है रेट ऑफ रेस्पिरेशन दिखाया गया है इधर वाई एक्सिस पे और टेम्परेचर की बात की गई है एक्स एक्सिस पे साफ दिखाई दे रहा है कि कर्व सेकंड जो है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन रेस्पिरेटरी जो मूवमेंट्स हैं पर मिनट वो कांस्टेंट हैं और दूसरी और वाई एक्सिस की ओर अपने कर्व वन को अगर देखें तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इनके अंदर क्या देखा जा रहा है रेट ऑफ रेस्पायरेशन भी देखी जा रही है कि वो भी बढ़ रही है इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन एक्चुअल में एक्टोथर्म और एंडोथर्म एनिमल को लेकर है वो एनिमल जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं एंडोथर्म कहलाते हैं ब्लडेड कहलाते हैं और वो एनिमल जो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट नहीं रख सकते बॉडी टेम्परेचर को वो वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू दी चेंज इन एक्सटर्नल टेम्परेचर दीज एनिमल आर नॉन एच कोल्ड ब्लडेड एनिमल ये कहलाते हैं पोई एनिमल्स ये कहलाते हैं ओके या इनको एक्टोथर्म भी कहा जाता है तो कर वन जो डिनोट कर रहा है वो एनिमल हो जाएंगे एक्टोथर्म या इन्हें ही, ही हम कह दें कोल्ड ब्लडेड इन्हें ही हम कह दें कैसे हो गए ये एक्टोथर्म हो गए कोल्ड ब्लडेड हो गए थर्मिक हो गए और इसका ओपोजिट हो जाएगा कर सेकेंड ये कैसे हो जाएंगे एंडोथर्म कहलाएंगे ये एंडोथर्म कहलाएंगे या इन्हें वॉर्म ब्लडेड कह देंगे या इन्हें ही क्या बोल देंगे होम्योथर्मिक एनिमल कह देंगे अब अपने को कर्व फर्स्ट और कर्व सेकंड से पता लगाना है क्या है देखें इसको मूव कर दें थोड़ा सा फिश। फिश और अपने को पता है रेप्टाइल रेप्टाइल एविज मैमल्स एम्फीबियंस पिसीज एम्फीबिया रेप्टाइल्स ये तीनों ही क्या है पोइलोथर्मिक है एक्टोथर्म है और एम्फीबिया और मैमल्स ये दोनों क्या है होमियोथर्मिया एंडोथर्म एनिमल्स कहलाते हैं इसका मतलब है? पिसीज रेप्टाइल पिसीज एम्फीबिया रेप्टाइल्स ये तो इसके अंदर आ जाएंगे और एविज एंड मैमल्स इसके अंदर आ जाएंगे ओके मैक्रल फिश एक फिश है इसका मतलब ये कैसी हो गई पोइक्लोथर्मी कहला गई ये कैसी कहला गई एक्टोथर्म कहला एक्टोथर्म का मतलब हो गया कर्व वन से डिनोट होगा बिल्कुल ठीक है कर्व सेकंड कंगारू कंगारू एक मैमल है और मैमल का मतलब ये एंडोथर्म हो गया तो हमारा आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयरिंग बताना है फर्स्ट और सेकंड को लेकर फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा बाकी के ऑप्शन को और देख देते हैं ग्रिजली बियर भालू की बात हो रही है पेंगुइन सी काउ ये आप सभी जानते हो बियर मैमल हो गया पेंग्विन एक बर्ड हो गया सी काउ मैमल हो गए तो ये तीनों ही किस कैटेगरी में आ गए ये तीनों ही आ गए एंडोथर्म में एंडोथर्म को कौन डिनोट कर रहा है कर कर सेकंड डिनोट रहा है लेकिन फर्स्ट में दिया गया है इसका मतलब इनकरेक्ट हो जाएंगे बाकी के तीनों करेक्ट ऑप्शन अपना फर्स्ट चला जाएगा क्या क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं आ जाए क्लियर करते हैं एक बार हाँ जी क्वेश्चन नंबर फोर ये आपको बोटनी पोर्शन में करवाया जाएगा

इसका मतलब एम क्या होना चाहिए एम होना चाहिए सिलेंट्रेटा उसके बाद नर्व नेट हो गया एंड सोच प्रेजेंस ऑफ वेंट्रल नर्व कॉर्ड वेंट्रल नर्व कॉर्ड इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इनवर्टिब्रेट विद सेगमेंटेड गेंगलिया सेगमेंटेड गेंगलिया भी पाया जाना सेगमेंटेड गेंग्लिया एनलिट्स में भी मिलेंगे सेगमेंटेड गेंगलिया अपने को देखने को मिलते हैं आर्थ्रोपोर्ट में भी इसका मतलब पहला अपना आंसर जाना चाहिए एम के अकॉर्डिंग सिलेंट्रेट होना चाहिए पहला माउस नहीं हो सकता मैमल हो गया ठीक है इधर हाइड्रा एरिया सिलेंट्रेट एंड सेकेंड वन एन किसको डिनोट कर रहा है वेंट्रल में कौन दिखाई दे रहा है एनिलिड दिखाई दे रहा है इसका मतलब लीच जो है वो एन हो जाएगा और एन का मतलब कौन हो गया ये एनिलीड हो गया एनेलिडा और इसकी अगर बात करें तो इसमें क्या बोला है ओ सोज ओ किसको दिखा रहा है ओ सोज नर्व रिंग विद रेडियल नर्व रेडियली नर्व्स इसका मतलब ये इकाइनोडर्मेट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहलाता है तो स्क्विड और सी स्टार ये डिनोट हो जाएंगे ओ से और इनको हम क्या कह देंगे ये इकाइनोडम्स हो गए इकाइनोडम्स ये जो बात कही है नर्व रिंग का पाया जाना ये नर्व रिंग मिलेगी स्पेशली आपको याद रखना है एनलिडा में आर्थ्रोपोडा में मोलस्का में एंड इकाइनोडरमेटा में ओके तो एक स्पेशल एक चीज होगी वो आपको याद रखनी है मेमोराइज रखनी है यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारे सामने डिस्क्रिप्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फोर एनिमल पी क्यू आर एस ये चार एनिमल बताए गए हैं और इनका डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया गया है शॉर्ट इंटेस्टाइन अनकोलन का पाया जाना और स्मॉल इसिकम का पाया जाना छोटी इंटेस्टाइन किसके अंदर मिलेगी इंटेस्टाइन की अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो छोटी इंटेस्टाइन मिलती है कार्निवोर्स एनिमल में बड़ी इंटेस्टाइन पाई जाती है हर्बीवोर्स एनिमल में हर्बीवोर्स एनिमल में सेलुलोज के डाइजेशन के लिए बड़ी इंटेस्टाइन का होना जरूरी है जबकि प्रोटीन डाइजेशन के लिए कम समय की रिक्वायरमेंट होती है इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन पाई जाती है तो शॉर्ट इंटेस्टाइन एंड कॉलन ये पाया जाना ये क्या हो जाएगा इंसेक्टिव नहीं कहेंगे नॉन नहीं कहेंगे बिल्कुल फर्स्ट और सेकेंड में से अपना आंसर जाएगा आगे और अप्रोच करें सिंपल स्टमक और लार्ज सिकम का पाया जाना लार्ज सिकम सिकम अगर लार्ज मिलेगा इसका मतलब सिंबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा पाए जाएंगे लेकिन

जबकि फोर्थर्ड बताया फोर चेंड स्टमक इज एज कंपाउंड स्टमक और ये किस में पाया जाता है ये मिलता है अपने एनिमल में जुगाली करने वालों में इसका मतलब सिंपल स्टमक और लार्ज सीकम इन दोनों में से देखें इंसेक्टिव में नहीं मिलेगा नॉन रुमिनेट हरबी में पाया जाएगा इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड इन दोनों चीजों को बाकी तीन तो गलत हो ही गए ऑप्शन नंबर सेकेंड आंसर जा रहा है फिर भी क्रॉस चेक करेंगे शॉर्ट इंटेस्टाइन सिकम अपटिक माइक्रो रिक्वायरमेंट नहीं है किसके अंदर Insect के अंदर, इसका मतलब short intestine पाई जाती है, absent है, है, और है, है, सही और पाया जाता होता भी लॉन्ग होती है लार्ज इंटेस्टाइन भी इसके अंदर लोंग ही पाई जाती है तो ये क्या हो गए ये रूमिनेंट हर्बीवोर्स कहला गए ओके और ये जो फोर चैंबर्ड स्टमक पाया जा रहा है इसी को ही कहा जाता है कंपाउंड स्टमक क्या बोलते हैं कंपाउंड स्टमक और इस कंपाउंड स्टमक के पार्ट होते हैं कौन कौन से रूमन रेटिकुलम ओमेसम एबोमेसम ओके ये चार पार्ट होते हैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे तो आंसर अपना सिक्स का कौन सा चला जाएगा सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें क्वेश्चन नंबर सेवन प्लाज्मा मेम्ब्रेन रूट हेयर सेल ये बोटी में कवरअप किया जाएगा नेक्स्ट हंड्रेड बैक्टीरियल सेल वो बॉडी पोर्शन में कवरअप हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइन है ये जुलोजी पोर्शन में अपन कवर अप करेंगे ज एबजॉर्शन स्लो इफ एनर्जी ड्रिंक ओनली ग्लूकोज केवल एनर्जी ड्रिंक जो आपने इंटेक किया उसमें केवल जा रहा है उसमें मतलब उसका एब्जॉर्न स्लो होता है एज कम्पेयर टू दिंक द ग्लूकोज अलॉन्ग विद स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट अगर ग्लूकोज के साथ में स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट भी पाया जाता है फॉर एग्जाम्पल एन ए प्लस भी अगर प्रेजेंट होता है तो यह एबजॉर्ब्शन फास्ट हो जाएगा तो एक चैप्टर नंबर 16 जो है इलेवंथ क्लास की एनसीईआरटी का उसमें साफ लिखा है ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा सिंपल डिफ्यूजन एब्जॉपन होता है फैसिलिएटेड एब्जॉर्प्शन होता है सेकेंडरी एक्टिव सेकेंडरी एक्टिव ठीक है ग्लूट चैनल्स पाए जाते हैं एक्चुअल में उस कंसेप्ट वह अपन नहीं जाएंगे इसमें जो मैक्सिमम ग्लूकोज ऑब्सॉर्प्शन होता है वो होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा दीज आर पैसिव फॉर्म दिस दिस वन इज एक्टिव फॉर्म ये कहलाती है अगर मैं एंटेरोसाइट इंटरसैनल सेल के रेस्पेक्ट में अगर बात कर लूँ तो इंटरसैनल सेल के रेस्पेक्ट में कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा चेंज अगर कर दें इसका तो हम कहेंगे यहाँ पाया जाता है या सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट होता है एन ए प्लस के प्लस पंप जिसके कारण थ्री एन प्लस बाहर जाते रहते हैं थ्री एन प्लस और टू के प्लस अंदर आते रहते हैं ओके इसका मतलब अगर पंप के द्वारा एन ए प्लस के प्लस पंप एन ए प्लस के प्लस पंप के द्वारा अगर ट्रांसपोर्ट होगा तो इसको तो कह देंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट लेकिन अगर यही ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसके द्वारा वो चैनल्स जहां से एन प्लस अंदर आने के साथ साथ एन प्लस भी आ रहा है और इसके अलोंग और क्या मूव कर रहा है इसके साथ में ग्लूकोज भी मूव कर रहा है ओके तो ये कहलाते हैं क्या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये कहलाएगा इसका मतलब ये जो ट्रांसपोर्ट है ये जो एब्जॉर्प्शन है ग्लूकोज का अलोंग विद किसके साथ में सोडियम के साथ में इसको सिम्पोइट कहते हैं एक ही डायरेक्शन में एंड का मूवमेंट भी हो रहा है सब्सट्रेट का मूवमेंट भी हो रहा है दिस दिश्वनि एज क्या कहलाता है ये सिम कहलाता है और सिमपोर्ट जो है वो रेट को बढ़ा देता है इसका मतलब अब ऑप्शन को अपन अप्रोच कर लेते हैं ग्लूकोज ऑप्शन कैरीड आउट बाई मेम्ब्रेन प्रोटीन

प्लस मेम्ब्रेन पोटेंशियल पोटेंशियल वर्कआउट नहीं करता है ये काम नहीं करता है तो अपना क्वेश्चन नंबर टेन डाइजेशन ऑफ इंजेस्टेड फूड कैन अकर इन टू वेज दो तरीके से डाइजेशन होता है एक होता है एक्स्ट्रा सेल्युलर एक होता है इंट्रा सेल्यूलर ओके अगर मैं बात करूं इंट्रा सेल्युलर बाई टेकिंग फूड मटेरियल इन साइड द सेल पहले इंजेस्ट किया जाता है सेल के अंदर उसके बाद में सेल के अंदर डाइजेशन होता है दिस वन इज नॉन एज इंट्रा सेल्युलर ये कहलाता है एंड देन ब्रेकिंग इट यूजिंग द डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर एग्जाम्पल ऐसा किसके अंदर देखा जाता है अमीबा एक प्रोटोजोआ हो गया एक्स्ट्रा सेल्युलर बाई सिक्रेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम पहले बाहर डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट किए जाएंगे ब्रेकिंग द मोलिक्यूल एंड ट्रांसपोर्टिंग डैम और बाहर जब इसका डाइजेशन हो जाएगा ब्रेक डाउन हो जाएगा उसके बाद इसका क्या किया जाएगा एब्जॉर्न किया जाएगा जैसे फंगस के अंदर ऐसा देखा जाता है okay? मतलब आपके सामने बात रखूं तो ओवरऑल कंसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा हो जाएगा कि प्रोटो जोवा, प्रोटो जोवा, और कौन? पोरीफेरा प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं इंट्रा को इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ओके नेक्स्ट बात करें, सिलेंट्रेट एंड टीनोफोरा टीनोफोरा ये रिप्रेजेंट करते हैं इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा दोनों को और प्लेटी से लेकर प्लेटी से लेकर कोडिटा तक कौन सा पाया जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ह्यूमन में कौन सा पाया जाता है ह्यूमन के अंदर आएंगे हम हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाएगा इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड चला जाएगा आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें क्वेश्चन नंबर इलेवन ये आपको बोटनी पोर्सन में करवा दिया जाएगा एस रेटिकुलम, आर की बात कर रहे हैं एसई आर एसईआर इज नॉट प्रीवेलेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग किसमें प्रभावी रूप से यह नहीं पाई जाती है एक होती है आर ई आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैविंग आर एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये प्रोटीन सिंथेसिस के काम में इन्वॉल्व होते हैं इसका मतलब मैं डायरेक्ट ही अप्रोच कर इसको फिर भी ये और एक्सप्लेनेशन आगे भी देंगे आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब प्रोटीन सिंथेसिस और हमें पता है पैनक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करती है डाइजेस्टिव एंजाइम ओके एंड एंजाइम आर प्रोटीनएस नेचर एंजाइम प्रोटीनएस नेचर क्यों होते हैं इन नेचर तो यहां पाई जाने वाली जो ई ER आर होती है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करवाएगी उसमें पाए जाएंगे वो AR कहलाएगी इसका मतलब prevalent नहीं है नहीं किसके अंदर परिया के अंदर बाकी इन जगह पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब हो गया फंक्शनिंग के रूप में अगर मैं बात करूं तो स्टीरोइड हार्मोन सिक्रेशन में ये हेल्प करते हैं इसके अलावा फैट का सिंथेसिस और स्टोरेज भी ये करवाते हैं जैसे मैं एग्जाम्पल बता दूं ओवरी के अंदर फोलिकुलर सेल्स पाई जाती हैं और ये फोलिकुलर सेल्स स्टीरोयड हार्मोन का फॉर्मेशन ये करवाएंगी टेस्ट इसके अंदर लैडिक सेल पाई जाती है स्टीरोड हार्मोन टेस्ट और का फॉर्मेशन करवाती हैं एडिपोज टिश्यू ये वर्कआउट करता है स्टोरेज ऑफ फैट के लिए इसका मतलब स्टीरोयड हार्मोन के सिंथेसिस या फैट के स्टोरेज में किसका रोल होता है एस का रोल कहलाता है तो प्रीवेलेंटली इन तीनों में तो मिलता है और किस में नहीं पाया जाता है लास्ट वाले में में नहीं पाया जाता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं ये बोटनी पोर्शन में मोलिकुलर का पार्ट है वहां करवाया जाएगा आपको ये मसल कॉन्ट्रेक्शन एक क्वेश्चन है इन द स्केलेटल मसल सेल द कैल्शियम पंप इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कैल्शियम पंप होता है उसका फंक्शन क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि जो ही मोटर न्यूरॉन के द्वारा आने वाली इंपल्स जब किसके पास में मसल के पास में पहुंचेंगी और वो न्यूरो जब रिलीज करेंगी तो न्यूरो ट्रांसमीटर सार्कोलेमा के ऊपर स्प्रेड होगा

जो न्यूरो रिलीज हुआ था उसकी स्टिमुलस जब पहुंचेगी तो यहां से सी ए प्लस टू कैल्शियम आयन बाहर की ओर मूव करेंगे और कैल्शियम आयन जो बाहर की ओर मूव करेंगे ये पैसिवली करते हैं। इसका मतलब है हाई कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ओके? तो ये तो मूवमेंट हो गया इस कैल्शियम आयन का अपने को क्वेश्चन में कहा है कैल्शियम पंप कैल्शियम पंप जो पाया जाता है सारको रेटिकुलम पर ये मसल को जब स्टिमुलस मिलना बंद हो जाएगी एक्शन पोटेंशियल आना जब बंद हो जाएगा या मोटर न्यूरॉन के द्वारा कोई भी एक्शन पोटेंशियल नहीं पहुंच रहा है अब ठीक है कोई भी स्टिमुलस नहीं पहुंच रही है तो फिर ये मसल रिलैक्स होने की कोशिश करेगी और इस रिलैक्सेशन की स्टेज के दौरान सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां पाया जाने वाला जो पंप होता है ये पंप क्या करेगा इस सी ए प्लस टू को वापस अंदर भेजने का काम करेगा और ये कहलाया पंप इसको बोल देते हैं हम पंप हो गया ये कैल्शियम पंप हो गया और ये एक्टिव होता है एटीपी का यूटिलाइजेशन ये करता है तो

इस कॉन्ट्रेक्शन के कारण गलत हो गया यह भी कह रहा है कॉन्ट्रेक्शन गलत हो गया इंडक्शन ऑफ एपोप्टोसिस इन मसल सेल एपोप्टोसिस होती है सेल डेथ लेकिन मसल कॉन्ट्रेक्शन इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेल डेथ एपोप्टोसिस को कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ ये कहलाता है ओके बच्चों तो अपना आंसर कौन सा चला गया इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा डन डन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं ओके okay? अच्छा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जूलॉजी पोर्सन का है ये एनिमल डाइवर्सिटी से लिया गया क्वेश्चन है बोडी सिलोम को लेकर लिया गया क्वेश्चन है एसिलोमेट क्या होते हैं शिडो सिलोमेट क्या होते हैं यू सिलोमेट क्या होते हैं उसको लिया लेकर लिया गया, गया क्वेश्चन है आप देखें डायग्राम में साफ दिखाई दे रहा है एक्टो है एंडो है, है और इसके अंदर जो मीजो दिखाई दे रही है ये दिखाई दे रही है ओके और सोलिड मीजोडर्म अगर पाई जाती है इसका मतलब बॉडी केविटी नहीं है बॉडी सिलो में नहीं पाई जा रही है ये तो ल्यूमन है ल्यूमन इज नॉट ए पार्ट ऑफ बॉडी केविटी तो मीजोडर्म कैसी हो गई सोलिड हो गई और सोलिड अगर मीजोडर्म है तो ये एनिमल कैसे हो गए ए सिलोमेट कहला गए और ए सिलोमेट कौन होते हैं भैया प्लेटी कहलाते हैं प्लेटी हेलमेंस हो गए प्लेटी ओके? ये जो दिखाई दे रहा है आपको आप देखें एक्टो और एंडो के बीच में कैविटी दिखाई दे रही है सिलोम दिखाई दे रही है इसका मतलब ये एनिमल कैसे हो गए यू सिलोमेट ये एनिमल कहला गए यू सिलोमेट तो पहला होना चाहिए कौन प्लेटी हेलमेंट्स देखें आप फर्स्ट अर्थवॉर्म एनलिडा है प्लेटी नहीं है इधर थर्ड ऑप्शन में अगर देखें तो ये फर्स्ट को कॉकरोच दिखा रहा है आर्थ्रोपोड दिखा रहा है ये भी नहीं है प्लेनेरिया ओके और ये भी ओके दोनों में प्लेनेरिया प्लेनेरिया किस फाइलम का मेंबर हो गया प्लेटी हेलिमेंट्स का सही है सेकंड वन क्या होना चाहिए सेकंड वन होना चाहिए एनलिडा से लेकर कोडेटा ओके इसका मतलब इन्होंने क्या बताया कॉकरोच कॉकरोच ठीक है ये यूसिलोमेट हो गया लेकिन टेफ वॉर्म ये टेप वॉर्म तो किसके अंदर आ गया भाई टैफ वॉर्म इसको फ्लैट भी कहा जाता है और ये मेंबर हो गया किसका प्लेटी हेलमेंट्स का ओके तो अपना ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कौन सा चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर कि पहला तो हो गया प्लेटी और दूसरा कहला गया कौन यू सिलोमेट्स हो गया पहला कैसा हो गया ए सिलोमेट एनिमल हो गया तो फर्स्ट का आंसर तो चला जाएगा प्लेन एरिया और सेकंड हमारा बन जाएगा कॉकरोच ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव क्वेश्चन नंबर प्रेजेंस ऑफ टू ह्यूमन ट्रेट एक्स एंड वाई वर कर इन चिंपांजी एंड हाइना इन दोनों में कंपेयर किया गया है, मैमल्स हैं ए सोशल कार्निवर हाइना को बोला है सोशल कार्निवॉर चिंपेजी भी द रिजल्ट ऑफ आर इज फॉलो एक टेबल के फॉर्म में रिजल्ट दिए गए हैं ट्रेट दिखाया गया एक्स हो गया वाई हो गया चिंपेजी के अंदर एक्स हाई होता है हाइना के अंदर ये मॉडरेट कहलाता है और यही अगर वाई की मैं बात करूं तो चिंपेनजी में ये रूडिमेंट्री हो गया और वाई जो है हाइना के अंदर नहीं पाया जाता है तो ऑप्शन देख लेते हैं अपन टूल मेकिंग ट्रेट एक्स एंड वाई आर मोस्ट लाइकली एंड रेस्पेक्टिवली रेस्पेक्टिवली बोला है इसका मतलब पहला पहला वाला एक्स है और दूसरा वाला वाई है अगर ये एक्स है टूल मेकिंग अच्छा है तो चिंपेंजी में टूल मेकिंग हाई है और हाइना में ये मॉडरेट है हाइना में तो टूल मेकिंग है ही नहीं इसका मतलब ऑप्शन हो गया गलत क्योंकि हाइना टूल मेकिंग का काम नहीं करता है नो टूल मेकिंग नो टूल मेकिंग पहला ऑप्शन गलत हो गया उसके बाद कह रहे हैं बाइपेडल लोकोमोशन वाई की बात कर रहे हैं बाइपेडल लोकोमोशन रूडीमेंट्री होता है चिंपैंजी में नहीं डेवलप्ड होता है इसके अंदर और ये बाईपेडल भी करते हैं क्वाडरी पैडल भी दर्शाते हैं जबकि हाइना में बाईपेडल लोकोमोशन अपसेंट है बाईपोडल लोकोमोशन वाई के रूप में नहीं पाया जाता है हाइना क्वाडरी पैडल लोकोमोशन ये ठीक हो गया लेकिन रूडिमेंट्री बोला है चिंपैन जी में इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस ज्यादा इंटेलिजेंट एक्स कह रहा है पहले एक्स है डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस हाई है सही है और डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस मॉडरेट है ओके है नंबर टू टूल मेकिंग टूल मेकिंग को कहा है वाई रूडिमेंट्री है चिमपेनजी के अंदर टूल मेकिंग टूल मेकिंग का काम है टूल मेकिंग का, 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 का काम नहीं है तो आंसर अपना कौन सा चला जाएगा ऑप्शन नंबर टू फिर कह रहा bipedal locomotion, high है बाईपेडल लोकोमोशन हाई है मॉडरेट है ये नहीं हो सकता कोऑपरेशन इन हंटिंग दोनों ही समूह में ग्रुप में हंटिंग करने का, का काम करते हैं तो ये बात सही है कि इसके अंदर ज्यादा है इसके अंदर मॉडरेट हो गया एंड डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस वाई को बताया है डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस ये रोडिमेंट्री है ये इंटेलिजेंट नहीं है नहीं हाइना भी इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन ज्यादा इंटेलिजेंट चिंपेन कहलाते हैं इसलिए ऑप्शन नंबर फोर अपना करेक्ट आंसर नहीं जाएगा ओके तो क्वेश्चन नंबर जो सेवनटीन है इसके अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर चला गया ऑप्शन नंबर टू क्या डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस एंड टूल मेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं सिक्सटी फाइव ईयर ओल्ड मेल एडमिटेड टू हॉस्पिटल और सिम्टम लाइक सीवियर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स किडनी डिसफंक्शनिंग ये दर्शाते हैं लो लेवल ऑफ एन ए प्लस और हाई लेवल ऑफ के प्लस इन दी बॉडी विच पार्ट ऑफ एंडोक्राइन इज मोस्ट इसका मतलब ये आप देखें कि इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स सिम्टम्स हो गए जैसे सीवियर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स हो गए किडनी डिसफंक्शनिंग हो रही है लो लेवल ऑफ एन ए प्लस हाई के प्लस कहलाता है इसका मतलब ये एड्रिनल कोर्टेक्स से रिलीज होने वाले हॉर्मोन से संबंधित हो गया ओके? तो इनफ्लामेटरी रेस्पॉन्स की अगर मैं बात करूं तो इन्फ्लामेटरी हो, तो कहीं कहीं, हो, हो रहा है तो एडिनल कोटेक्स से सीक्रेट होने वाला एल्डोर हार्मोन जाकर किडनी के ऊपर एक्ट करता है और किडनी से एनएप्लस एंड वाटर के रीअब्जो को बढ़ाता है जबकि वहां से सिक्रीशन करवाता है किसका K का ठीक है तो ये कह रहा है कि लो लेवल प्लस है, इसका मतलब है? किस हॉर्मोन की कमी है यहाँ पर की कमी हो रही और सीवियर इंफ्लामेटरी इसका मतलब कोर्टिसोल की कमी हो रही है तो दोनों ही हॉर्मोन किससे संबंधित हो गए आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर टू ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं देन,

डिफरेंट टाइप के ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर से प्रेजेंट होते हैं और ये एल एंड डी फॉर्म किसको रिप्रेजेंट करता है कायरलिटी को रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट इनशियोमर के टूवर्ड ये ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर रेस्पॉन्स शो करते हैं फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं दे बाइंड टू दी सेम ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर बट डिफरेंटली नहीं ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर भी अलग अलग होते हैं किसके लिए इन कार्बोन के लिए अलग अलग प्रकार के एस कार्बोन डी कार्बोन ये पाए जाते हैं

डिफरेंट रिसेप्टर से अटैचमेंट दर्शाते हैं तो ये ऑप्शन हो गया अपना गलत तो करेक्ट ऑप्शन अपना चला जाता है कौन सा ऑप्शन नंबर थ्री ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं स्पीसीएशन से लिया गया क्वेश्चन है इवोल्यूशन का पाल्ट है ए इकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर हैज स्टडीड ए पॉपुलेशन ऑफ ग्रास ऑपर दैट लिव्ड इन ए ग्रास लैंड ग्रास ऑपर की स्टडी की गई है एंड फीड ऑन एज सब पॉपुलेशन है यहां पर जो जा रहा था, उसी की ही एक सब उसी के नियर बाई पाई जा रही है, ये जा रहा है दूर नहीं है कोई जियोग्राफिकल बैरियर इनके बीच में नहीं है बस अलग हो गए हैं ओके वाज ऑब्जेक्ट टू एक्सेस द नियर बाई फॉरेस्ट वेयर द सेम इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन फीड ऑन नॉन फीड ऑन टॉक्सिक हब्स आफ्टर सेवरल डिकेड्स व्हेन द सेम ग्रास ओपर पॉपुलेशन वाज स्टडीड अगेन कुछ दशक के बाद में दस साल बीस साल तीस साल के बाद में जब इस पॉपुलेशन को जो सिमिलर पॉपुलेशन थी एक ही ग्रास ऊपर के अलग होने से हुई थी उसको वापस स्टडी किया जाता है इट वॉज ऑब्जर्व फॉरेस्ट में जो रहने लगे थे वो आपस में ही ट्रू ब्रीडिंग दर्शाने लगते हैं इसका मतलब ब्रीडिंग को लेकर इनका इनके साथ में कोई रिलेशन नहीं रहा है और कोई रिलेशन नहीं रहा है इसका मतलब एक स्पीसीज अलग हो गई है

पेरिपेट्रिक का मतलब हो गया पेट्रिक का मतलब ओरिजिनल पॉपुलेशन और इसी के ही पेरिफेरल टूवर्ड इधर भी एक ट्रिक बता रहे हैं याद करने के लिए इसी के ही पेरिफेरी में या नियर बाय में स्मॉल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन पाया जा रहा है पेरिपेट्रिक के लिए खास बात याद रखेंगे ओरिजिनल पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा होता है और सेपरेट हुई पॉपुलेशन स्मॉल सेगमेंट के रूप में दूर नहीं है पास के ही नियर बाई एरिया में पाई जा रही है जो इन्होंने साफ साफ कहा है कि नियर बाई फॉरेस्ट में पाया जा रहा है ओके तो आंसर चला जाएगा एलोपेट्रिक एलो की अगर बात करें तो यहां पर जियोग्राफिकल बैरियर्स इनके अंदर बन जाते हैं सिम्पेट्रिक की अगर बात करें तो दोनों पॉपुलेशन साथ साथ में रहती है लेकिन रिप्रोडक्शन इसलिए नहीं हो पाता है प्लोइी लेवल इनमें चेंज हो जाता है ठीक है और पैरापेट्रिक की अगर बात करें तो पैरापेट्रिक में सेपरेट हो गई है अलग रहने लग गई है दूर के एरिया में चली गई है नियर बाई एरिया में नहीं है आंसर चला जाएगा अपना फर्स्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी जुलोजी पोर्शन को ही इंडिकेट कर रहा है अफेक्ट ऑफ सी वॉटर एसिडिफिकेशन दिखाया गया है ओके हाई पीएच की ये बात कर रहे हैं हाई पीएच लो पीएच लो पीएच की बात कर रहे हैं एसिड का मतलब हो गया लो पीएच एच सोन इन द फॉलोइंग ग्राफ फॉर द फोर एक्वेटिक एनिमल नेमली कौन कौन है क्रस्टेशियन

इन्होंने साफ दिखाया है पॉजिटिव इफेक्ट इंडिकेट कर रहा है व्हाइट पोर्शन को न्यूट्रल इफेक्ट इंडिकेट कर रहा है थोड़े से ग्रेस पोर्शन को और नेगेटिव इफेक्ट इंडिकेट कर रहा है ज्यादा डार्कर पोर्शन को ओके ये देखें ज्यादा डार्क है कम ये ज्यादा डार्क है ये कम डार्क है या ग्रे है ये भी कम डार्क है और ये वाले दोनों वाइट कहलागे व्हाइट रिप्रेजेंट दॉजिटिव अफेक्ट अब अपन बात करते हैं कि क्रिस्टेशन च बिलोंग टू दी क्रस्टेशियन क्रस्टेशन का मतलब हो गया तो इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं अपन स्पीसीज बिलोंगिंग टू आर इज मोस्ट लाइकली इस आर की बात कर रहे हैं ये है पी पी का मतलब ये दोनों कंपेरिजन हो रहा है लो एसिडिफिकेशन का हाई एसिडिफिकेशन के साथ में क्यू का मतलब ये दोनों बार रिप्रेजेंट करेंगी आर का मतलब ये दोनों बार हो गई एस का मतलब ये दोनों बार कहला गई ठीक है अब आप इसमें गौड़ से देखिएगा पी जो रिप्रेजेंट हो रहा है इस पी में हमें साफ दिखाई दे रहा है ज्यादा डार्क था कम डार्क हो गया एसिडिफिकेशन बढ़ने के कारण ज्यादा डार्क डार्क का मतलब नेगेटिव इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट कम हो रहा है न्यूट्रल इफेक्ट बढ़ रहा है पॉजिटिव इफेक्ट थोड़ा सा बढ़ रहा है और ऐसा एसिडिफिकेशन का इफेक्ट देखा जाता है किसके अंदर ये वाला अपन देखते हैं किसके अंदर ऐसा देखा जाएगा भैया क्रस्टेशियन के अंदर क्रस्टेशियन के अंदर अगर एसिडिफिकेशन बढ़ता है तो सेल का फॉर्मेशन ज्यादा यहां पर किया जाता है और सेल का फॉर्मेशन हो गया इसका मतलब है पहले सेल का फॉर्मेशन नेगेटिव इफेक्ट जो था सेल के फॉर्मेशन पे वो ज्यादा था अब नेगेटिव इफेक्ट क्या हो गया कम हो गया ये इतना हो गया और पहले कितना था ये इंपैक्ट कहला रहा था यहां से यहां तक तो ये तो रिप्रेजेंट कर गया पी तो रिप्रेजेंट कर गया किसको क्रस्टेशिया को ठीक है नंबर फिशेज इसमें देख लें अपन आगे क्या है एस और क्यू इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो एस और क्यू में क्या दिखाई दे रहा है ये डार्क पोर्शन नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा हो रहा है ठीक है आपस में कंपेयर करूं तो और ऐसा ही क्यू में भी है ये वाला डार्क इफेक्ट यहां पर भी ज्यादा हो रहा है ज्यादा डार्कर हो रहा है ओके इसका मतलब एसिडिफिकेशन बढ़ने से नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा आ रहा है और नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा आ रहा है इसका मतलब इनके अंदर सेल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा ओसिकल्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली एस की अगर मैं बात करूं तो ये एस क्या रहा होगा mollusk रहा होगा जिसके अंदर क्या नहीं बन रही है इनके अंदर सेल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है एस रिप्रेजेंट दोलस्क ये जो क्यू है इसके अंदर भी सेम चीज है कि इनके अंदर क्या नहीं बन पाएंगे ओसिकल्स नहीं बन पाएंगे तो ये क्या बन जाएगा इकाइनो बन जाएगा इसका मतलब इसका मतलब का हो गया क्यू और क्रस्टेशियन ये हमने बता ही दिया ज्यादा एसिडिफिकेशन ज्यादा होने पे 500 से 650 के बजाय छो से आठ होने पर 850 होने पर ये ज्यादा सेल का फॉर्मेशन करेगा तो पी रिप्रेजेंट कर जाएगा क्रस्टेशियन को तो बचा कौन फिशेज फिशेज कौन होगी गई फिसेज रिप्रेजेंट कर जाएगा आर को आर ही पूछ रहा है कि आर किसको रिप्रेजेंट करेगा इसमें साफ देखें व्हाइट रिप्रेजेंट थी पॉजिटिव ये पॉजिटिव इंपैक्ट था और ये पॉजिटिव इंपैक्ट कम हो गया है यहाँ ना और इसका मतलब ये हो गया कि फिशेज के पास में कोई किल नहीं पाई जाती है कोई कवरिंग नहीं है एसिडिफिकेशन होने पर वो इससे अफेक्टेड होती हैं पीएच से वो अफेक्टेड होती हैं तो पॉजिटिव अफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा एसिडिफिकेशन बढ़ने पर नेगेटिव अफेक्ट का बढ़ जाना पॉजिटिव इफेक्ट का कम हो जाना ओके तो आर मोस्ट लाइकली कौन सा हो गया फिसेज आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपन कर देते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री दिखाया गया है देखें डिफरेंट साइट इन ह्यूमन बॉडी आर लिस्टेड विद देयर पार्शियल प्रेशर ये ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज से लिया गया क्वेश्चन है और वहां भी एक टेबुलर फॉर्म दे रखी है कि एटमोसफियर से आने वाली एयर में पार्सल प्रेशर गैसेज का कितना है एलवेलाइ में कितना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है डी ब्लड में कितना है और टिश्यू लेवल पर कितना है पार्शल प्रेशर दिखा रखा है एंड की की बात की है इन द फॉर्म ऑफ पार्सल प्रेशर द फॉलोइंग टेबल आइडेंटिफाई द बॉडी साइड रिप्रेजेंटेड बाई वाई और जेड की फॉर्म में ये बताना है ह्यूमन की बॉडी साइड एक्स दिखा रखी है अपने को ओके पार्सल प्रेशर 160 दिखा रखा है अगर मैं पार्शियल प्रेशर मैक्सिमम की बात करूं तो उस टेबल के अकॉर्डिंग जो इनहेल्ड एयर है इनहेल्ड उस इनहेल्ड एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑटो पी ओ होता है भैया कितना 159 mmHg, 159 या 160 mmHg अप्रोक्सीमेशन में हम ले सकते हैं तो ये एक्स किसको डिनोट कर रहा है एक्स डिनोट टू एलवियोलाई ओके एलवियोलाई के अंदर जो एयर आई है

एल्व्यूलर कैविटी में इसका पार्शियल प्रेशर कहलाता है इसका मतलब वही होना चाहिए एल्व्यूलर स्पेस तो वही हो जाएगा एल्व्यूलर स्पेस ये दोनों ऑप्शन नहीं जाएंगे तो आंसर कौन सा चला जाएगा फोर्थ चला जाएगा लास्ट वाला और देख लें जेड पल्मोनरी आर्टरी को दिखाया गया है पल्मोनरी आर्टरी वो होती है जो डी ब्लड को हर्ट से लेकर कहां पहुंचती है हर्ट के राइट right वेंटिकल से लेकर लंग्स तक पहुंचती है ऑक्सीजनेशन के लिए तो पल्मोनरी आर्टरी में हमें पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ फोर्टू लेस देन 40 एम एम हो गया और ऑफ प्रेशर ऑफ सीओ टू फोर्टी फाइव एम एम एच गया तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जाएगा? इसीलिए तो पल्मोनरी okay कैपिलरीज तो से सीओ टू कहां से कहा मूव करेगी फोर्टी फाइव से फोर्टी की ओर मूव करती है क्रॉस चेक भी हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं आ जाए जेनेटिक्स से लिया गया क्वेश्चन है ठीक है और इसमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दिखाई गई है हमें पता है जितनी ज्यादा दूरी होगी दो जीन के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन सम है बी डी है एसी है ए है और साफ कहा है बी की रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है एसी की उससे कम है ए की उससे कम है तो इससे साफ डिनोट हो गया कि बी और डी जो है वो सबसे ज्यादा दूरी पर पाए जाएंगे ये लो हमने बना दिया बी और डी क्या हो गए मैक्सिमम डिस्टेंस पर पाए जा रहे हैं और इसी से ही साफ डिनोट हो रहा है ए और बी जो है वो पास पास पाए जा रहे हैं इसका मतलब अब अगर मुझे ए रखना हो तो ए मैं डिनोट करूंगा कहां पर लगभग कहीं यहां पे ओके तो पोजीशन क्या बची ए और सी सी कहां रहा होगा यहां पर? अपना सी रहा होगा तो अपना ऑर्डर होना चाहिए बी ए सी डी देखिए आप बी ए सी डी कहां आ रहा है बी ए सी डी ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें ये आपको करवाया जाएगा बोर्डनी पोर्शन में ठीक है और इसके आगे के जो क्वेश्चन है जूलॉजी पोर्शन के वो आपके साथ शेयर करने के लिए आ रहे हैं हमारी जूलॉजी फैकल्टी यतेंद्र जी उपाध्याय ओके तो नो no डाउट काफी आपने एंजॉय किया होगा इस पेपर को डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा था ठीक है लेकिन इस लेवल के एग्जाम में इतना डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल होता है हर साल बिल्कुल इसी लेवल के एग्जाम के इसी लेवल के एग्जामिनेशन पैटर्न आपके सामने देखने को जाते हैं इस एग्जाम के द्वारा ठीक है तो आप नेक्स्ट जो जोलॉजी पोर्शन है उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा यतेंद्र सर को ओके हाँ बच्चों तो क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स की बात करते हैं इसमें कुछ सेल्स दी हुई हैं और इन सेल्स के अंदर कोई पर्टिकुलर एम सीट जो है उसके सिंथेसिस की बात हुई है और ये जो एमाइनोसिड है इसका सिंथेसिस जो है वो तीन एंजाइम की हेल्प से होता है अगर उन तीनों में कोई एक भी एंजाइम नहीं होगा तो फिर जो फाइनल प्रोडक्ट है एमाइनोसिड उसका फॉर्मेशन नहीं होगा अब जो तीन सेल हैं यहां पे पी क्यू आर और पी क्यू आर इन तीनों सेल में तीनों ही एंजाइम के जीन हैं यानी तीनों एंजाइम तीनों में सेल में बनेंगे तभी तो वो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा लेकिन P -Q -R नाम की जो तीन सेल हैं उनमें कोई पर्टिकुलर एंजाइम जैसे P में अलग एंजाइम तीन में से क्यू में कोई अलग एंजाइम और आर में कोई अलग एंजाइम का जीन म्यूटेट है ऐसे कंडीशन में उन सेल्स को अलग अलग या एक साथ कल्चर करा के जो है प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं ये बताया गया है और उसके बेसिस पे जो एंजाइम है वो किस ऑर्डर में वर्क करते हैं ये इस क्वेश्चन में अपने को पूछा हुआ है ना तो चलो बात करते हैं इसकी तो जैसे यहाँ पे सेल दी है सेल पी सेल क्यू और सेल आर ठीक है और इनमें जो एंजाइम है एंजाइम ई e, है ना एंजाइम के लिए अपन मार्क करते हैं कि एंजाइम एक्स एंजाइम वाई एंड एंजाइम जेड एंजाइम जो हैं तीन टाइप के एंजाइम एक्स अगर होंगे तभी वो बना पाएगी, तो जैसे इसमें लिखा है कि सेल्स पी क्यू सेल पी क्यू आर आर म्यूटेंट फॉर एंजाइम एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली इसका मतलब है कि जो सेल पी है उसमें एंजाइम एक्स जो है वो वर्क नहीं करेगा ये लो मैंने वर्क नहीं करेगा तो कट कर दिया लेकिन एंजाइम एंजाइम वाई और जेड सेल पी में में वर्क करेगा उसके बाद के रेस्पेक्ट में देखते हैं रेस्पेक्टिवली वाई जो है उसमें वर्क नहीं करा यानी क्यू जो सेल है उसमें एंजाइम एक्स तो वर्क करेगा लेकिन एंजाइम वाई जो है वर्क नहीं करेगा और जेड वर्क करेगा उसके बाद जो सेल आर है उसके रेस्पेक्ट में अगर देखें रेस्पेक्टिवली पूछा तो जेड जो है वो उसमें वर्क नहीं कर रहा ये लोग एक्स वर्क कर रहा है वाई वर्क कर रहा है लेकिन जेड वर्क नहीं कर रहा अब जैसे कोई सबस्ट्रेट है सबस्ट्रेट ए उसको किसी एंजाइम ई वन ने जो है चेंज किया बी में बी भी एक सबस्ट्रेट है यहां बी भी एक सबस्ट्रेट है इस बी सबस्ट्रेट को सी सबस्ट्रेट जो है उसके अंदर चेंज किया एंजाइम ई2 ने और उसके बाद इस सी सबस्ट्रेट को फाइनल पर्टिकुलर एमिनो एसिड जो है उसके अंदर कन्वर्ट किया एंजाइम ई थ्री ने इसका मतलब है इन तीनों सेल को पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए तीनों फंक्शनल एंजाइम ई वन ई टू थ्री चाहिए आगे क्या लिखा है आगे क्वेश्चन के अंदर दिया है कि किसी पेट के अंदर हमने एक सबस्टेटम लिया कल्चर के लिए है ना तो देखना क्या लिखा है कि सेल पी क्यू आर आर म्यूटेंट फॉर एंजाइम एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली दीज एंजाइम आर इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ द सेम एमिनो एसिड्स एक ही एसिड जो है तीनों सेल में उसके बायोसिंथेसिस के लिए तीनों एंजाइम चाहिए व्हेन पी क्यू आर वर को कल्चर्ड इसका मतलब है कि सेल पी सेल क्यू और सेल आर को एक साथ पेट्रिडिस के अंदर कल्चर किया गया ना तो फिर आगे क्या लिखा है कि वेन पी क्यू आर वर को और इस प्लेट के अंदर जो हमने ग्रोथ मीडियम दिया है इस ग्रोथ मीडियम के अंदर इसमें जो ग्रोथ मीडियम है इस ग्रोथ मीडियम में एमिनो एसिड जो है वो अपसेंट है एमिनो एसिड अब्सेंट है इसका मतलब उसकी ग्रोथ अफेक्टेड होगी और एमिनो एसिड है तभी हमें पता लगेगा कि वो खुद सेल बना पा रही है या नहीं बना पा रही है ना ओके तो जब तीनों सेल को P, Q, R को को कल्चर किया गया तो जिस प्लेट के अंदर जिसमें एमिनो नहीं है तो आगे क्या लिखा है कि स्ट्रेन P एंड Q ग्रू व्हाइल R डिड नॉट जब तीनों को एक साथ कल्चर किया तो P और Q ने तो ग्रोथ की लेकिन जो R सेल है वो ग्रोथ नहीं कर पाई है ना तो आर ग्रोथ नहीं कर पाए इसका मतलब है इस पूरे बायोसिंथेटिक पाथवे में आ, जो फाइनल सबस्टेट सी है इसको एमाइनो एसिड में चेंज करने के लिए एंजाइम ई थ्री जो है वो ये जो सेल आर है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाई और E3 अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर पाई तो आर के अंदर जो जीन म्यूटेट है वो जेड का है इसका मतलब है कि जेड जो है वो सबसे लास्ट में यहाँ पे वर्क करेगा तो हमें तीनों सेल के को कल्चर से आइडिया लग गया कि सबसे लास्ट में जो एंजाइम वर्क करेगा वो कौन सा होगा Z उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि व्हेन P एंड Q वर्क को कल्चर है ना लास्ट में इसकी बात की है कि जब केवल P और Q को कल्चर किया गया ना तो ये सबस्ट्रेट है जिसके अंदर ग्रोथ मीडियम है इसमें एक सेल P ली और एक सेल Q ली जब अकेला P और Q को कल्चर किया और को इस बार नहीं लिया ना तो ऐसी कंडीशन के अंदर लिखा है कि क्यू तो ग्रोथ करेगी लेकिन पी जो है वो ग्रोथ नहीं करेगी तो फिर आगे लिखा है सिक्वेंस ऑफ एंजाइम इनवॉल्व इन द बायोसिंथेसिस पाथवे ऑफ एमिनो एसिड है ना तो अब आप लोग यहां पे ध्यान दें कि अगर ऐसा हुआ हमें लास्ट एंजाइम का तो पता लग गया अब इसमें क्यू ग्रोथ कर रहा है क्यू ग्रोथ कर रहा है इसका मतलब है कि क्यू के अंदर किसकी कमी है वाई की कमी है लेकिन आ, वाई, आ, जो जो है, है? है, वो किसकी अंदर एक्टिव है? वाई है, अंदर एक्टिव वाला एंजाइम एक्टिवेट फॉर्म में है है ना तो वाई जो है वो सबस्टेट ए को सब B बी में बदल देगा क्योंकि यहाँ पे क्यू सेल की यहाँ पे वाई को प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प जो है वो सेल पी ने की है क्योंकि उसमें वाई का जीन एक्टिव है इसका मतलब है कि ई वन जो है वहां पे कौन सा एंजाइम आ जाएगा वाई और वाई अगर एंजाइम है तो सबस्टेट ए सबस्टेट बी में बदल गया अब सबस्टेट बी को सबस्टेट सी में बदलने के लिए एंजाइम जो बच गया हमारा यहाँ पे वो कौन सा है एक्स क्योंकि जेड भी आ गया और वाई भी आ गया और जो एक्स एंजाइम है वो क्यू में फंक्शनल है इसका मतलब है ई की जगह क्या आना चाहिए एक्स है ना और अब एक चीज और देख लेते हैं कि P और Q को जब ग्रोथ कराई तो P ग्रोथ क्यों नहीं कर पाया है ना तो P ग्रोथ इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि P जो सेल है उसमें स्टार्टिंग में सबस्टेट को सबस्टेट A को स्टेट बी में बदलने के लिए जो एंजाइम है वो वाई चाहिए और वाई जो है उसके रेस्पेक्ट में अगर देखें तो उसमें वाई का जीन तो एक्टिव है तो सब ए बी में तो बदल गया लेकिन बी को सी में बदलने के लिए उसको एंजाइम वाई चाहिए और एंजाइम वाई जो है उसका जीन एंजाइम एक्स चाहिए और एंजाइम एक्स का जीन जो है वो पी में फंक्शनल नहीं है और p में फंक्शनल नहीं है इसका मतलब है कि p जो सेल है वो सबस्ट्रेट b को सबस्ट्रेट c में चेंज नहीं कर पाएगी और उसमें उसके साथ जो q सेल है वो भी हेल्प नहीं कर पाएगी क्योंकि q सेल के अंदर भी जो एंजाइम है y उसका जीन फंक्शनल नहीं है तो इस तरीके से इस पूरे पाथवे से हमें जो एंजाइम वर्क कर रहे हैं उसकी सीक्वेंस का पता लगा कि पहले y फिर x और फिर z तो अपना आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा Four. ठीक है तो अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इसमें अपने को तीनों जो सेल्स हैं, कब कौन सी ग्रोथ कर रही है नहीं कर रही है इसके अकॉर्डिंग जीन का ऑर्डर पता लग गया ठीक है हम्म, ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं कॉर्न प्लांट ए डोमिनेंट एलिल आई कॉर्न का प्लांट है उसमें एक डोमिनेंट एलिल है डोमिनेंट एलिल आई जो है वो कर्नल कलर को इनविट करेगा ना तो नो कलर डोमिनेंट जीन आई की वजह से जो सीड कोट है उसका कलर डेवलप नहीं हो पाएगा क्योंकि क्योंकि देखो यहां पर इनविट द कर्नल कलर एक्सप्रेशन व रिसे वो जो है उसके लिए लिखा है कि वाइल्ड द रिसेसिव एलिल स्मोल आई इन होमोजाइगस कंडीशन परमिट कलर एक्सप्रेशन है ना तो कलर प्रोडक्शन होगा अगर रिसेसिव एल एल आई जो है वो किस स्टेट में है होमोजाइगस कंडीशन के अंदर है तो वो कलर प्रो, प्रोडक्शन को परमिट करेगा एक्चुअल में ये जो न, वो नॉन का है जिसमें कोई एक एलिल डोमिनेंट या रिसेसिव स्टेट में किसी दूसरे नॉन एल जीन का इनविशन करता है इसको एपिस्टेसिस बोलते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस लेकिन आ, जो जीन एक्सप्रेशन uh, को रोक रहा है किसी जीन का उसको एपिस्टेटिक जीन बोलते हैं और जिसका एक्सप्रेशन रुक रहा है उसको हाइपोस्टेटिक जीन बोलते हैं ना लेकिन एपिस्टेटिक uh, जीन जो है वो होमोजाइगस में भी वर्क करेगा और एट्रोजाइगस कंडीशन में वर्क करेगा लेकिन अगर एपिस्टेटिक जीन होमोजाइगस कंडीशन में होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में आ गया जैसे स्मोलाई स्मोलाई तो फिर वो दूसरे नॉन एलिक जीन जो है उसका एपिस्टेसिस नहीं कर पाएगा उसको इनविट नहीं कर पाएगा ना तो ये इसका कॉन्सेप्ट है फिर आगे बढ़ते हैं एट ए डिफरेंट लोकस अलग लोकस पे है ना द डोमिनेंट एलिल पी कंट्रोल पर्पल कर्नल कलर है ना तो कोई डोमिनेंट जीन पी है उससे पर्पल कलर प्रोड्यूस हो रहा है है ना और वही पी अगर होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप में हो स्मॉल पी स्मॉल P. तो ऐसे में क्या आ रहा है देखना इस कंडीशन में वो रेड कलर प्रोड्यूस करेगा रेड रेड कर्नल कलर है ना तो फिर आगे लिखा है कि इफ प्लांट हेटेरोजाइगस एट बोथ लोकाई आर क्रॉस्ड विद क्रॉस्ड देन व्हाट विल बी द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ पर्पल रेड एंड कलरलेस तो देखो एक्चुअल में जैसे मान लो ये क्रोमोजोम है इस क्रोमोजोम पे किसी पर्टिकुलर लोकस पे जीन ए आई और किसी दूसरे लोकस पे है जीन पी वो कैपिटल पी कैपिटल पी भी हो सकता है वो कैपिटल पी स्मॉल पी भी हो सकता है ये दोनों नॉन एलेलिक जीन है और ये दोनों एलेलिक जीन है ये एपिस्टेटिक जीन है क्योंकि ये इसके इफेक्ट को रोक रहा है और इसका इफेक्ट रुक रहा है इसका मतलब जो पी है वो हाइपोस्टेटिक जीन है आई जो जीन है वो डोमिनेंट या डोमिनेट डोमिनेंट स्टेट में पी के एक्सप्रेशन को रोकेगा और अगर स्मॉल स्मोलाइ हो गया तो फिर ऐसे में वो पी जीन के एक्सप्रेशन को रोक नहीं पाएगा तो फिर आगे बात की हुई है कि अगर हेक्ट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस करें जैसे हेट्रोजाइगस दोनों लोकाई के लिए हेट्रोजाइगस दिया है कि प्लांट हेट्रोजाइगस एट बोथ लोकाई है ना तो जैसे कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल पी स्मॉल पी एक प्लांट ये है मान लो इसको बोल दिया फीमेल प्लांट और दूसरा प्लांट कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल पी स्मॉल पी ये दूसरा प्लांट है अब यहां पर कितने हेट्रोजाइगस हैं दो तो टू की पावर एन

कैपिटल पी स्मॉल आई कैपिटल पी कैपिटल आई स्मॉल पी स्मॉल आई स्मॉल पी ये देखो ये चार गेमेट हो गए मान लो फीमेल के ये चार गेमेट मान लो फीमेल के ऐसे चार गेमेट मेल के भी हो जाएंगे कैपिटल आई कैपिटल पी स्मॉल आई कैपिटल पी कैपिटल आई स्मॉल पी और स्मॉल आई स्मॉल पी अब इसको क्रॉस कराते हैं कि कैपिटल आई कैपिटल आई तो कैपिटल आई कैपिटल आई के लिए थोड़ा इधर से नोट कर लेते हैं कैपिटल आई कैपिटल आई कैपिटल पी कैपिटल पी कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल पी कैपिटल पी कैपिटल आई कैपिटल आई कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल पी स्मॉल पी उसके बाद कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल पी कैपिटल पी स्मॉल आई स्मॉल आई कैपिटल पी कैपिटल पी कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल पी स्मॉल पी स्मॉल आई स्मोल आई कैपिटल पी स्म पी इसी तरीके से यहाँ पे कैपिटल आई कैपिटल आई कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल आई कैपिटल आई स्मॉल पी स्मॉल पी और कैपिटल आई स्मॉल आई स्मॉल पी स्मॉल पी यहां पे देखो अब कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल पी स्मॉल पी स्मॉल आई स्मॉल कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल आई स्मॉल आई स्मॉल पी स्मॉल पी और स्मॉल आई स्मॉल आई स्मॉल पी स्मॉल पी है ना तो ये तो, कॉम्बिनेशन है अब इसके अंदर आ, हम लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है इसके अकॉर्डिंग देखना है कि अगर कैपिटल आई एक भी है तो वो पी के एक्सप्रेशन को रोक देगा और अगर रोक देगा तो उससे कलरलेस जो कर्नल कलर है उसका कोई कलर डेवलप नहीं होगा वो कलरलेस होगा तो ये देखो कलरलेस यह, यहां पर कैपिटल आई कैपिटल आई है तो ये हो गया कलरलेस सीएल सीएल मतलब कलरलेस यहां पर भी एक कैपिटल आई है कलरलेस यहां पर भी एक यहां पर दोनों ही कैपिटल आई है तो कलरलेस यहां पर भी एक कैपिटल आई है चाहे एक भी कैप्टल आई है तो वो उस पी के एक्सप्रेशन को रोक देगा तो यहां पर भी हो जाएगा कलर लेस सीएल का मतलब है कलर लेस यहां लिख देते हैं सीएल का मतलब है कलर लो। उसके बाद यहां पर भी एक कैप्टल आई है तो ये भी कलर लेस ये जो देखो यहां पर दोनों ही स्मॉल आई स्मॉल आई है अगर दोनों लोकस पे स्मॉल आई स्मॉल आई है तो वो पी के एक्सप्रेशन को रोक नहीं पाएगा और पी डोमिनेंट स्टेट में देखो कैसा दे रहा है पर्पल कलर है ना तो यहां पर लिख देते हैं पीएल पीएल का मतलब है पर्पल कलर पीएल मतलब पर्पल कलर पर्पल कलर उसके बाद यहां पर एक कैपिटल आई है तो ये हो गया कलरलेस यहां पर दोनों स्मॉल आई है लेकिन एक कैपिटल पी है अगर एक भी कैपिटल पी है तो कलर कैसा क्रिएट हो जाएगा पर्पल तो ये हो जाएगा पर्पल कलर पर्पल कलर फिर यहां पर दोनों कैपिटल आई है कलरलेस एक है कलरलेस दोनों है कलरलेस एक है कलरलेस एक है कलरलेस फिर ये देखो दोनों ही आ, आई स्मॉल है तो ऐसे में और एक कैपिटल पी है तो पर्पल कलर यहाँ पे कलरलेस और यहाँ पे आई भी दोनों स्मॉल है और पी भी दोनों स्मॉल है और अगर पी भी दोनों स्मॉल हो तो वो पर्पल की जगह क्या क्रिएट करेगा रेड ये लिख देता हूं मैं क्या रेड अब अपने को लास्ट में पूछा क्या है कि देन व्हाट विल बी फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ पर्पल रेड कलरलेस तो पर्पल काउंट करो पहले कितना पर्पल पर्पल वन टू एंड थ्री पर्पल है थ्री पर्पल हो गया तीन उसके बाद क्या दिया रेड रेड ये एक ही है देखो रेड तो एक ही तो रेड हो गया वन फिर कलरलेस कलरलेस तो colorless वाले हैं इलेवन एंड ट्वेल्व और कलरलेस कितने हो गए ट्वेल्व तो अपना रेशियो आ गया थ्री रेशो वन रेशो ट्वेल्व ये रहा थ्री रेशियो वन रेशियो ट्वेल्व तो अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट ठीक है तो ये नॉन एलिक जीन इंट्रेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था ओके okay, अगला फिर जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि ए मेन विद हीमोफीलिया हिमोफीलिया इज ए लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर और एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर इसका मतलब है एक्स क्रोमोसोम पे कोई पर्टिकुलर जीन अगर वर्क नहीं करेगा तो क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस नहीं होगा और अगर क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस नहीं होगा तो ऐसे में ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी और मेल जो है एक ही एक्स है दूसरा तो वाई है फीमेल में दो एक्स कंडीशन जो है प्रेजेंट होती है तो मेल का जो जीनोटाइप है मेल जीनोटाइप उसमें लिख देते हैं एक्स वाई और उसमें है तो उसका जीन लिख देते हैं ये लोग क्योंकि जो मेल है मेन जो है उसमें हिमोफीलिया है और देखो क्या लिखा रिसेसिव सेक्स लिंक कंडीशन हैज ए डॉक्टर ऑफ नॉर्मल फिनोटाइप है ना तो जो डॉक्टर है डॉक्टर का अगर जीनोटाइप देखें उसमें वैसे यहां पे लिखा है कि डॉक्टर जो है उसका नॉर्मल फिनोटाइप है इसका मतलब जो मदर है उससे जो एक्स है वो नॉर्मल है लेकिन फादर से तो एक्स गया है उसमें और उस एक्स पे इमोफिलिया वाला जीन भी गया इसका मतलब जो डॉटर है वो कैरियर है डॉटर कैरियर है ये देखो दो एक्स हैं इस ये इसके फादर है तो इससे एक्स तो गया है और अगर इसका फिनोटाइप नॉर्मल है यानी दूसरा एक्स जो मदर से आया वो नॉर्मल एक्स आया इसका मतलब है अपने को डॉटर का जीनोटाइप पता लग गया फिर आगे लिखा है कि सी मैरिज ए मैन विद नॉट वो इज नॉट हिमोफिलिक ये ये जो आदमी है इसकी ये जो बेटी है वो ऐसे मेल से मैरिज करती है जिसमें नहीं है ना तो हस्बैंड ऑफ हर मतलब हस्बैंड ऑफ हर मतलब उसका जो हस्बैंड है वो कैसा हो जाएगा नॉर्मल और अगर वो नॉर्मल है तो उसका जो जीनोटाइप है वो क्या होगा एक्स वाई और उस पर कोई हिमोफिलिक जीत नहीं है तो फिर बोला कि इनकी जो प्रोजेनी है उसमें जो सन पैदा होंगे उनमें कलर आ, ये हीमोफिलिया जो उसके चांस क्या देख लेते हैं कि इफ द मैरिड कपल हैज फोर सन अगर उनके चार लड़के हैं तो फिर वाट इज द पॉसिबिलिटी दैट ऑल फोर विल बी कि चारों में हिमोफिलिया हुआ तो देख लेते हैं कि जो डॉक्टर है उसका जीनोटाइप है ये वाला कि जो कि कैरियर है और जो मेल है वो नॉर्मल है ये वाला तो, तो, तो इसमें फीमेल का गेमेट एक ये बना और एक ये बना और मेल के अंदर एक ये वाला और एक ये वाला अब चेकर बोर्ड से जब पता किया तो ये देखो ये नॉर्मल डॉटर लेकिन कैरियर है लेकिन हिमोफीलिया नहीं है ये वाली नॉर्मल डॉटर है ये कैरियर भी नहीं है इसमें एक एक्स पे हिमोफिलिक जीन है इसमें दोनों पे नॉर्मल जीन है ये देखो ये है हिमोफिलिक सन और ये है नॉर्मल सन तो देखना टोटल अफेक्टेड प्रोजेनी तब आंसर जाएगा वन बाई फोर फिर टोटल अफेक्टेड डॉटर तो आंसर जाएगा जीरो टोटल अफेक्टेड सन तब आंसर जाएगा वन बाई टू क्योंकि सन का ही देखना हैं वन बाई टू अफेक्टेड ने वन बाई टू नॉर्मल है टोटल कैरियर डॉटर तो आंसर जाएगा फिफ्टी परसेंट टोटल तब आंसर जाएगा वन फोर। लेकिन हमें तो सन के रेस्पेक्ट में पूछा कि अगर चार लड़के हैं तो चारों में क्या पॉसिबिलिटी की तो सन में पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी ऑफ हिमोफिलिया इन सन तो वो क्या है वन बाई टू मतलब फिफ्टी परसेंट पॉसिबिलिटी है सन में हिमोफिलिया की और चार सन में हिमोफीलिया की पॉसिबिलिटी के ऐसा पूछा है तो देखना चार के लिए पूछा है तो वन बाई टू इंटू वन बाई टू इंटू वन बाई टू इंटू वन बाई टू है ना चार आ, सन के रेस्पेक्ट में तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी जो भी है उसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा वन बाई मतलब फोर एट सिक्सटीन वन बाई तो अपना आंसर हो जाएगा थर्ड ठीक है अगला क्वेश्चन है ये एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड है एक एंडोक्राइन सिस्टम से तो लिखा है कि थाइमस ग्लैंड इज ऑलवेज द प्रीफर्ड ग्लैंड फॉर डीएनए एक्सट्रैक्शन बिकॉज कि थाइमस जो है वो एक ऐसी प्रीफर्ड ग्लैंड क्यों है ताकि आ, उसकी की सेल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाए ऐसा क्यों है कि उसी को आ, सेलेक्ट किया जाता है ना तो कोई एक ऑप्शन अपने को इसके अंदर देखना है तो लिखा है कि बींग ए सॉफ्ट ग्लैंड एक्सट्रेक्शन देखें तो सारी ही endocrine system में सारी glands जो है, वो soft होती है ना तो कोई अलग ऐसी नहीं है कि कि जो soft हो सारी ग्लैंड ही सॉफ्ट है ना इसलिए ये ऑप्शन जो वो फेवरेबल नहीं है फिर वेस्टिजियल ऑर्गन इन अडल्ट इट कैन बी Used for नहीं। अगर ये अडल्ट की बात करें अपन जैसे बड़ा है कि जब बर्थ होती है तब टाइमस काफी एक्टिव होती है और जैसी अटेन होती है उसके बाद जब जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये एट्रोफाइड होने लगती है तो अडल्ट के अंदर अगर बात करें तो उसके अंदर तो ये एक्ट्रोफाइड हो रही है खत्म हो रही है तो ऐसी कंडीशन में उनकी जो सेल्स है वो भी नेक्टिव हो रही है तो फिर ऐसी कंडीशन में ऐसे एट्रोफाइड टिश्यू से डीएनए जो है उनको एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता है इसका मतलब है अडल्ट स्टेज जो है ऐसी कंडीशन में या एज्ड पर्सन की जो थाइमस है उसकी एट्रोफाइड या वेस्टिजियल जो वो ग्लैंड है उससे डीएनए एक्सट्रैक्शन किया ही नहीं जाता है अर्ली फेज में किया जाता है इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो भी रॉन्ग है फिर द मेजोरिटी ऑफ सेल्स इन ग्लैंड आर लिम्फोसाइट हाँ इसमें जो ज्यादातर सेल्स है वो लिम्फोसाइट है

ये गलत हो गया आप लोग देखो कि जब प्यूबर्टी होती है तब तक ये काफी एक्टिव होती है लेकिन उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ती है तब तो वो एट्रोफाइड हो रही है वो श्रिंक हो रही है उसकी जो सेल्स है वो भी इनएक्टिव हो रही है तो क्या लाइफ की हर स्टेज पे किसी भी पॉइंट पे उसमें जो है डिवाइडिंग एक्टिव सेल का नंबर जो है वो हमेशा ज्यादा है नहीं जैसे जैसे एज बढ़ रही है वो नंबर डिक्रीज हो रहा है इसलिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है इसलिए अपना आंसर हो जाएगा थर्ड ये जो मैमल्स हैं उनके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन है जिसमें जो रैबिट्स हैं उनके जो ऑर्डर है उससे लेट किया है लेगोमोर्फ जिनको बोला गया है, है।, है मतलब like इनका जो सिक्कम है उनमें सिम बैक्टीरिया होते हैं और जो ये खाते पीते हैं उसमें उस एरिया में जाके सेल्लोज वगैरह का फाइबर वगैरह का फर्मेंटेशन होता है फर्मेंटेशन के बाद में उससे जो है न्यूट्रिएंट uh, रिलीज होते हैं सोलेबल न्यूट्रिएंट्स लेकिन सिक्कम वाला जो एरिया है उसमें जैसे कुछ वॉलेटाइल फैटी एसिड वगैरह हैं वो तो वहाँ से एब्जोर हो जाते हैं ऐसे के डाइजेशन के बाद लेकिन वहाँ से उसके बाद जो अदर यूजफुल न्यूट्रिएंट फ्री होते हैं वो वहाँ पर हो नहीं पाते हैं तो वो बिल्कुल सॉफ्ट फिकल मैटर पैलेट की फॉर्म में जैसे ही से बाहर आते हैं तो नाइट के टाइम वो उसको उसी एनल एरिया से रीअपटेक कर लेते हैं उसको रीगरगेट वापस खा लेते हैं और वापस जब वो जीआईटी से गुजरता है तो अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल से जो फिकल मैटर है उसमें जो न्यूट्रिय सिक्कम में एब्जॉर्व नहीं हो पाए थे वो एब्जॉर्व हो जाते हैं इनको कॉफ्रोफेगस बोलते हैं आ, एक्चुअल में जैसे रोमिनेट्स हैं उनके अंदर कंपाउंड स्टमक होता है तो उसके अंदर तो स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले ही सेलुलोज का फॉर्मेंटेशन हो गया इसलिए आ, पहले ही आ, वो डाइजेस्ट होके सिंपल फॉर्म में चेंज हो गया और फिर जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो वह हो गया इसलिए रोमिनेट को अपने पिकल मैटर को वापस खाना नहीं पड़ा लेकिन रैबिट को खाना पड़ा क्योंकि इसमें जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की लोकेशन है न, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले ना होके बाद में है

तो पहला देखते हैं कि द फाइबर डाइजेशन टेक प्लेस इन दिक्कम में होता है पर प्रेजेंट होते हैं अपने को इसके अंदर जो है most appropriate statement देखना है है देखना ना हालांकि ये भी रॉन्ग नहीं है ठीक है आगे और देखते हैं दे प्रोड्यूस सॉफ्ट ओके कंटेनिंग न्यूट्रिय फ्रॉम द सिक्कम इन द नाइट जो फल उसमें न्यूट्रिय होते हैं जिसको रात के टाइम वो वापस खा लेते हैं यही मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है इस, इस question के respect में, कि जो रे, 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 रेबिट है इस कॉन्टेक्स में अपने को जो मोस्ट अप्रोप्रियट स्टेटमेंट है ना और उसके बाद और देख लेते हैं दे कैनोट चीव द कड लाइक बट दे रिटेन फूड इन सिक्कम फॉर लॉन्ग टर्म टू डाइजेस्ट मतलब जो मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म इसके लिए है वो यही है कि सिक्कम जो है उसके अंदर फाइबर का डाइजेशन हो जाता है और न्यूट्रीन hmm. न्य। न्य। फ्री हो जाते हैं और वो वहां पर एब्जोर्व नहीं हो पा रहे इसलिए उसको वो वापस कहा रहा है ना तो बाकी स्टेटमेंट जो उसको उससे रिलेटेड नहीं है ना तो स्त, सेकेंड स्टेटमेंट अपना मोस्ट अप्रोप्रिएट है जिसके लिए अपन लोग यहाँ पे गए हैं और ये लिखा है कि दे प्रोड्यूस फिशेज ओनली इन डे टाइम नहीं ओनली डे टाइम नहीं और रात के टाइम भी उसको प्रोड्यूस करते हैं ना, ठीक है आगे बात करते हैं ओके okay. यहाँ पे एक एनिमल का फिगर दिया गया है और ये जो फिगर है जिस एनिमल का है ये एक ऑर्थोपोड है और ऑर्थोपोड और में एक अरेक्नेड है जिसके अंदर फोर पेयर लेग्स होते हैं ये स्कॉर्पियोन है बिच्छू है ना और स्कॉर्पियोन की अगर बात करें तो इसके लिए देखना क्या क्वेश्चन है कि द इमेज सोन ए यूनिक करेक्टरिस्टिक सीन इन ए ग्रुप ऑफ ऑर्थोपोड द एरो पॉइंटेड टू तो विच ऑफ द फॉलोइंग है ना मतलब यहाँ पे कुछ एरो शो किए गए हैं ये एरो जो है यहाँ पे इस एरिया में कौन से स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं ये क्वेश्चन है ना तो ये अगर अरेकनेड है तो इसके अंदर गिल्स तो नहीं होंगे सेगमेंटेड सेगमेंटेड गिल्स क्योंकि गिल्स क्रस्टेशियन में होते हैं ना तो ये आंसर तो नहीं होगा फिर सेगमेंटल स्पेकल जो हैं वो इंसेक्ट्स के अंदर होते हैं तो ये भी आंसर नहीं होगा और सेगमेंटल ट्रेकियल सिस्टम की बात करें या ट्रेकिया की बात करें तो ये भी इंसेक्ट के अंदर होते हैं ये आधे है तो ये भी नहीं होगा हाँ जो स्कॉर्पियोन है बिच्छू जो है वो टेरिस्टियल है इसमें रेस्पिरेशन के लिए बुक लंग्स होते हैं तो ये अपना परफेक्ट आंसर हो गया क्रस्टेशियन में बुक क्रस्टेशियन में गिल्स होते हैं आ, ये जो स्कॉर्पियोन है इसके अंदर बुक लंग्स होते हैं एक बुक गिल्स भी होते हैं ना और बुक गिल्स लिमुलस में होते हैं और इंसेक्ट जो है उसके अंदर ट्रैकियल सिस्टम होता है ओके okay? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ओके okay, 44 फोर नंबर क्वेश्चन एन इंडिविजुअल टेकिंग ए लेशली वॉक इन द फॉरेस्ट ट्रिप मतलब एक आदमी ऐसे ही अपनी मस्ती में एक जंगल में जा रहा है अचानक उसके पैरों में रेटल स्नेक आया एक खतरनाक सांप उसके पैरों में आया जिसके ऊपर से वो निकल गया जैसे उसने देखा कि मैं सांप के ऊपर से निकला हूं

उसकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी उसके लीवर में उसके एपेटोसाइट में जो ग्लाइकोजन है उसका ब्रेकडाउन होगा तो वो ग्लूकोज में फ्री होगा और वो ग्लूकोज उसकी सेल यूज करेंगी इसके अलावा एडिपोसाइट जो है वहाँ पर भी उसका टारगेट होगा और एडिपोसाइट जो है उसमें जो फैट है वहाँ पर मतलब जो फैट स्टोर है तो वहां पर हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एक्टिवेट होंगे और वो टीएजी को तोड़ेंगे फैटी एसिड ग्लिसरॉल में और फिर ग्लूकोज नियोजन तो ओवरऑल मकसद है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन है ना तो

कौन सी सिचुएशन सही है ना तो पहले देखते हैं कि एपिनेफ्रिन बाइंड टू रिसेप्टर इन लिवर एंड ऑन एडिपोसाइट फैट सेल सही बात है दोनों के ही रिसेप्टर पे एपिनेफ्रिन जुड़ेगा हिपेटोसाइट पे तो मैंने बताया कि गल, जो ग्लाइकोजन उसका ब्रेकडाउन कराएगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस और फैट सेल जो है उन पर बाइंड अप होकर ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएगा जो टीएजी है उससे ग्लूकोज बनाएगा आ,

हार्ट बीट भी बढ़ती है ब्लड की पंपिंग भी बढ़ती है बीपी भी बढ़ता है ग्लाइकोजन फॉर्मेशन इंक्रीजेज नहीं ग्लाइकोजन तो टूटेगी ना ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रहा है उसे ग्लूकोज फ्री होगा तो इनक्रीजेज की जगह होगा डिक्रीजेज और यहाँ डिक्रीजेज की जगह होगा इंक्रीजेज तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया फिर ब्लड वेसल इन द डाइजेस्टिव ट्रेक कॉन्स्ट्रिक्ट बिल्कुल सही बात है इमरजेंसी की कंडीशन में फूड के डाइजेशन से रिलेटेड प्रोसेस की जरूरत नहीं है

फिर पंपिंग ऑफ ब्लड इंक्रीजेज ये भी सही है ब्लड की पंपिंग बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है अपने कितने स्टेटमेंट सही हो गए फर्स्ट सेकेंड और फिफ्थ और सिक्स ऐसा ऑप्शन देखो फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ और सिक्स फर्स्ट सेकेंड फाइव एंड सिक्स ओके अगला क्वेश्चन जो है वो आ, कुछ एनिमल किंगडम से रिलेटेड है और उसमें इंसेक्ट्स जो अलग अलग टाइप के उनके रेस्पेक्ट में इवोल्यूशन के दौरान काफ़ी सारे जो इंसेक्ट थे वो इवोल्व हुए हमारे एनिमल किंगडम में ऑर्थोपोड जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइला है और उसमें भी जो क्लास इंसेक्टा है उसके जो मेम्बर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है इंसेक्ट जो हैं उनके अंदर जैसे लेब्रम अलग अलग इंसेक्ट के अंदर ये जो माउथ पार्ट है वो अलग अलग तरीके से माउथ पार्ट अलग अलग इंसेक्ट में होते हैं यहाँ पे ये जो माउथ पार्ट है इनका बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस से जो ओरिएंटेशन है वो कैसा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आ, कुछ पोजिशन दी है और उससे अपनेगराइज बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ हेड विद रेस्पेक्ट टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ बॉडी जैसे ये बॉडी का लॉन्ग एक्सिस है इसके रेस्पेक्ट में माउथ पार्ट जैसे ये हो गए ये लॉन्ग एक्सिस है बॉडी का

आगे लिखा है कि दीज आर डिपिक्टेड बिलो एयरविग और किकाडा बोला गया है ना तो इन एक्स वाई जेड के अंदर किस टाइप के माउथ पार्ट हैं वो अपने को देखना है तो जैसे ग्रास ओपर की बात करें जिसको टिड्डी बोलते हैं तो उसमें हाइपोगनिथस टाइप के माउथ पार्ट होते हैं तो टू जो है उसका हो जाएगा एक्स उसके बाद प्रोग की बात करें तो ये एयरविक के लिए जो एक लंबा इंसेक्ट है तो वन जो है वो वाई का हो गया और जो केकाडा है एक छोटा इंसेक्ट उसके माउथ पार्ट जो है वो पीछे की तरफ मुड़े हुए रहते हैं ना तो ये थर्ड जो है उसके लिए हो गया जेड तो इसका आंसर जो है एक्स का टू वाई का वन और जेड का जो है वो थ्री तो अपना आंसर हो जाएगा थर्ड एक्सपेरिमेंटल hmm. क्वेश्चन <coughs> है नेरिस के लिए नेरिस एक एनलिड है नॉन कॉर्डेट्स के अंदर एनलिडा के अंदर नेरिस एक आ, एनिमल है और नेरिस जो है वो मैरीन है जो समुद्र के बॉटम के अंदर रहता है तो उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया है और उसके बिहेवियर <coughs> से रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया है है ना तो देखो नेरिस फ्लोर ऑफ ब्रेकिस एस्टरिज ब्रेकिस एस्टूरीज जो है वहां पे जहां पर थोड़ा दलदल होता है वहां पे बॉटम के अंदर ये अपने आप को जो है इस तरीके से अंदर ले आता है और उसके जो एंटीरियर सेगमेंट हैं बॉडी के वो उस बुरो से बाहर की तरफ होते हैं उसका हेड पार्ट भी एंटीना वगैरह भी बाहर की तरफ होते हैं अब उसको ये बाहर की तरफ पानी है अब उसको जैसे कोई स्टिमुलस मिलता है तो स्टिमुलस मिलते ही वो अपनी बॉडी जो है उसको अंदर की तरफ खींच लेता है जैसे स्टिमुलस मिलेगा और जैसे स्टिमुलस हटेगा तो फिर वो वापस जो है वो बाहर की तरफ आके फीडिंग करेगा खाएगा ऐसा सेंसेशन तो एनिमल में होता ही है ना ये इनका बिहेवियर है ताकि इनकी किसी भी टाइप के प्रोडेशन से प्रोटेक्शन हो तो इसी पे आधारित इसी पे बेस्ड ये जो क्वेश्चन है जिस जो, जिसको जिसको अपन आगे बढ़ते हैं कि इट्स हेड एंड एंटीरियर सेगमेंट प्रोट्रूड फ्रॉम द बुरो टू फीड ऑन सरफेस अराउंड द बुरो ये जो उसके बिल है इसके आसपास खाने के लिए इसका हेड और एंटीरियर सेगमेंट बाहर की तरफ निकले भी रहते हैं इस क्वेश्चन का मतलब ये है फिर आगे ड्यूरिंग फीडिंग जब ये खाते हैं ए वैरायटी ड्यूरिंग फीडिंग खाते वक्त ए वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई इंड्यूस द वॉर्म टू जर्क बैक इनटू इट्स बुरो खाते टाइम बहुत सारे जर्क इसको लगते हैं जिससे को सेंस करके वापस अंदर की तरफ चला जाता है अपने प्रोटेक्शन के लिए फिर आगे ये तो इसका बिहेवियर दिया है। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया इस पर एक्सपेरिमेंट किया तो आगे लिखा है कि फॉर एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए ए बिहेवियरल साइंटिस्ट कुड इजीली गेट द वार्म

एक एक मिनट के इंटरवेल पे। फिर आगे क्या लिखा है एक्सपेरिमेंट सेटअप वन एंड टू उस साइंटिस्ट ने दो सेटअप बनाए सेटअप 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 जो था, उसके अंदर दोनों टाइप के स्टूमलाई दिए मैकेनिकल स्टूमलाई भी दिया और मूविंग सेडो भी दिया सेटअप टू जो है उसके अंदर एक स्टूबलाई दिया तो अगले पन्ने पे जो डायग्राम है उस पर अपन अभी देखेंगे कि द फॉर एक्सपेरिमेंटल सेट एक्सपेरिमेंटल सेटअप फर्स्ट एंड सेकंड आर शोन वेयर रेस्पॉन्स टू बोथ स्टूमलाई आर स्टडीड इन सेटअप फर्स्ट दोनों स्टूमलाई की स्टडी सेटअप वन में की गई जबकि वाइल दैट टू ओनली वन स्टूमलाई इज स्टडीड इन सेटअप टू दूसरा जो सेटअप था उसमें एक ही स्टडी की जैसे ये है सेटअप फर्स्ट और ये है सेटअप सेकेंड सेटअप वन सेटअप सेकेंड सेटअप वन जो है उसमें देखना जो स्टूमुलस वो दो टाइप के हैं एक तो है और एक है मैकेनिकल स्टूमलाई ये जो एक्सिस है इसके ऊपर जो है लिखा है कि ट्रायल एट वन मिनट इंटरवल मतलब ये जो है वो ट्रायल्स को शो कर रहा है टाइम के साथ और इस एक्सिस में लिखा है कि परसेंट ऑफ वॉर्म रिएक्टिंग कि कितने परसेंट जो है वो उस टुमलाई के लिए रिएक्ट कर रहे हैं फिर सेटअप वन की बात पहले अपन करते हैं कि सेटअप वन में देखें कि जैसे स्टार्टिंग के अंदर एक एक मिनट के इंटरवेल में स्टूमलाई दिया गया तो स्टार्टिंग में एक मूविंग सेडो स्टूमलाई जब दिया गया तो पहले 60 परसेंट जो थे वो उन्होंने रेस्पॉन्स किया लेकिन वो स्टूमलाई जब बार बार मिला एक एक मिनट तो तरीके से मतलब कोई स्टूमलाई मिलता है तो कुछ टाइम के बाद में कोई ऑर्गेनिज्म उसके लिए रेस्पॉन्स करना कम कर देता है ऐसा फिर देखो यहां पर भी यही मिला कि 50 से सिक्सटी वाला जो टाइम है ये जो टेन मिनट है उसमें भी जब ऐसा किया गया तो उसमें भी स्टार्टिंग में रिएक्ट जो परसेंटेज है वॉर्म का जो रिएक्ट करे वो ज्यादा है और फिर कम हो रहा है लेकिन जो मूविंग शेडो के लिए रेस्पॉन्स है वो ज्यादा है कंपेयर टू मेकेनिकल ये देखो इसके लिए कम परसेंटेज आ रहा है जो वार्म रेस्पॉन्स कर रहे हैं और वो भी धीरे 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 कम हो गया है ये इसके लिए तुरंत हो रहा है और तुरंत कम भी हो रहा है इसके लिए तुरंत जो है वो नहीं होता और धीरे धीरे ये क्या हो रहा है कम हो रहा है फिर सेटअप टू की बात करते हैं सेटअप तो ये, ये, ये सेटअप सेकंड सेट में जो जैसे जैसे ये फर्स्ट ए यहां लिखा है सेकेंड ए मतलब यही वाला सेम तो मूविंग सेडो जो फिर दिया तो तुरंत देखो उसके लिए आ, परसेंटेज जो वो जो रिएक्ट कर रहे वो ज्यादा है ऊपर धीरे-धीरे कम हो गया और वही फिर जब वापस दिया मूविंग शैडो वाला कुछ टाइम बाद तो वही रिस्पांस क्रिएट हुआ लेकिन इस बार आ, एक ही स्टिमुलई दिया गया वो था मूविंग शैडो लेकिन दूसरा स्टिमुलस जो शोक वाला मैकेनिकल शोक वाला वो नहीं दिया गया इसका मतलब है कि सेटअप 1 सेटअप 2 में फर्स्ट ए और फर्स्ट सी एससी सेकेंड ए और सेकेंड सी दोनों सेम है दोनों अलग नहीं है और मैकेनिकल शोक का स्टूमुलाई और मूविंग शेड्यू का जो स्टूमुलाई है वो डिपेंडेंट नहीं है वो इनडिपेंडेंट है क्योंकि अगर वो इंडिपेंडेंट है अगर ये इसको इफेक्ट नहीं करेगा और ये इसको इफेक्ट नहीं करेगा तो अगर ऐसा है तो तभी तो देखो ना कि जब केवल मूविंग शेडो था तो ये रेस्पॉन्स क्रिएट हुआ और जब मूविंग के साथ mechanical हो आया, तब भी यही क्रिएट हुआ कोई फर्क पड़ा ही नहीं इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है अब अपन ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो लिखा है कि कि okay. तो लिखा है कि response in first A, रिप्रेजेंट हैबिचुएशन हैबिचुएशन मतलब कि जब स्टार्टिंग में कोई स्टमलाई मिलता है जैसे इसी के अंदर एक वो टर्टल वाला था कि उसकी बैग को स्टमलेट करते हैं तो वो अपने हेड को अंदर करता है और जब बार बार उसको स्टमुलेट करते हैं तो वो आदमी बंद कर देता है तो उसको हैबिचुएशन बोलते हैं कि फर्स्ट ए जो है उसके अंदर ये जो स्टमुलाई है वो हैबिचुएशन है और वाइल दैट इन सेकेंड सी सेकेंड सी ये है और सेकेंड सी रिप्रेजेंट सेंसिटाइजेशन नहीं ये भी हैबिचुएशन है ये सेंसिटाइजेशन नहीं है सेंसिटाइजेशन जो वो लगातार बढ़ता जाता है और हैबिचुएशन जो है वो स्टूमलाई देने के बाद में लगातार कम होता जाता है तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ये वाला ये वाला यहाँ पे रोंग हो गया क्योंकि कब सही होता कि जब फर्स्ट ए और सेकंड सी दोनों ही क्या हो हेबिचुएशन तब सही होता तो यहाँ पे रोंग हो गया देखते हैं कि खिचुएशन इज ऑलवेज फास्टर फॉर ए मोविंग शेडो दैट फॉर द मैकेनिकल मैकेनिकल आप लोग देखो जो है उसके कंपेरिजन में ये देखो मूविंग शेड्यू वाला रेस्पॉन्स इस फोर्टी के ऊपर लाई कर रहा है और यहाँ पर देखो ये एट्टी के पास आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो मूविंग शेडो वाला हैबिचुएशन है वो इस टुमलाई के कंपैरिजन में फर्स्ट है ना तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है थर्ड भी देख लेते हैं कि द सेंसरी अडेप्टन इज ऑलवेज ए परमानेंट अडेप्टन सेंसरी जो स्टूमलाई uh, कोई भी मिलता है उसके लिए कोई ऑर्गेनिज्म जब रेस्पॉन्स क्रिएट करता है तो उसका इफेक्ट केवल तभी तक होगा और जैसे ही सेंसरी स्टूमलाई गायब होगा उसका इफेक्ट भी डिसअप्यूर हो जाएगा वो परमानेंट नहीं होता है कोई ऑर्गेनिज्म तभी तक अपने बिहेवियर में कोई चीज रिप्रेजेंट करेगा पर्टिकुलर जब तक स्टूमुलाई मिलेगा और अगर स्टूमिलाई नहीं है तो वो बिहेवियर करना वो बंद कर देगा ना तो ये परमानेंट बोल दिया ना इसलिए ये रोंग हो गया फिर चौथा और देखो कि हेबिचुएशन टू मोविंग शेडो हैबिचुएशन टू मूविंग शेडो स्टमुलस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेस्पॉन्स टू द मैकेनिकल स्टूमलाई तो ये चीज आपको मैंने समझाई थी कि जब मैकेनिकल स्टिमुलाई के साथ मूविंग शेडो को दिया गया तब ये रिजल्ट आया और केवल जब मूविंग शेडो दिया और बीच में इंटरवल में दूसरा इफेक्ट नहीं है ये वाला तो दोनों ही केस में मूविंग शेडो का जो, 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 जो रिजल्ट है यहाँ पर भी यही है और यहाँ पर भी यही है अगर ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते तो इसकी वजह से ये थोड़ा कम होता है या ज्यादा होता है यहां पर तो ये और ये दोनों सेम आ रहे हैं इसका मतलब ये और ये मतलब और moving stimuli are not dependent. They are independent. और यहां पे क्या लिखा है कि किस टू मैकेनिकल स्टूबुलस फर्स्ट तो टू एंड फोर दोनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट ठीक है हाँ भाई तो क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं ये जो क्वेश्चन है ये सेंसरी सिस्टम से रिलेट किया गया है रिसर्च जो एप्टीट्यूड है उसको अप्लाई करके तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना जैसे अपन फिश की बात करते हैं तो उनके अंदर लेटरल लाइन सिस्टम होता है लेटरल लाइन सेंसरी ऑर्गन जैसे अपन फिश की बात करें उनमें इस तरीके से लेटरल लाइन सेंसरी ऑर्गन है ये पूरा एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड की तरफ और ये इस साइड भी और उस साइड भी है और अगर इनकी डिटेल देखें तो इस तरीके से ये ओपनिंग है और ये ओपनिंग अंदर की तरफ वहां पर एक न्यूरोमास्ट सेल होती है जो कि सेंसरी होती है जिससे न्यूरॉन ब्रेन की तरफ सिग्नल देता है तो पानी में जो भी हलचल होती है ये जो वाटर है इस ओपनिंग से अंदर जाएगा और यहाँ ये जो न्यूरोमस्ट है ए, ये एक टाइप का मैकेनिकल रिसेप्टर है तो इस वाटर की वजह से वो न्यूरोमास है उसके मैकेनिकल रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे और ब्रेन को सिग्नल देगा तो कहने का मतलब ये है कि पानी में होने वाली हलचल जो है उनका उसका पता इस लैटर लाइन सिस्टम से ये जो फिश है वो लगाती है ना तो कुछ फिश के अंदर आ, इस रिसर्च के अंदर जो क्वेश्चन जो दिया है उसमें पीछे की तरफ कैडुअल साइड के न्यूरोमास्ट को हटा दिया गया है और कुछ के अंदर मिडल एरिया के जो न्यूरोमास्ट है उनको हटा दिया गया है फिर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक सक्षम प्रेशर जनरेट किया गया जिससे उन उस वाटर को खींचा जा रहा है तो वो जो वाटर में वेव जनरेट हुई कब कौन से फिश उसको सेंस कर पा रही है और कौन सी नहीं कर पा रही है कौन सी का मतलब है कि जिसके अंदर कैडुअल टेल की तरफ के न्यूरोमास्ट हटाए गए हैं या जिसके अंदर मिडल एरिया के न्यूरोमास्ट हटाए गए हैं तो कब इफेक्ट पड़ेगा और कब इफेक्ट नहीं पड़ेगा न्यूरोमास्ट को हटाने का सेंसेशन पे उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है हा? तो चलो देखते हैं कि द मैकेनिकल द मैकेनो मैकेनो सेंसरी लेटर लाइन सिस्टम

मतलब उनको मॉडिफाइड किया गया वन ग्रुप वाज कैडवल न्यूरोमास्ट एबलेटेड एक ग्रुप जो है उसमें कैडवल एरिया एरिया वाले area जो है वहां के न्यूरोमास्ट को इनएक्टिवेट कर दिया है यहां पर जो नाम लिखा कि एबलेटेड इसका मतलब है उनको नॉन फंक्शनल करना द अदर वन वाज मिडल न्यूरोमास्ट एबलेटेड और जो दूसरा ग्रुप है उसके अंदर जो मिडल एरिया है ए, उन के को गया। तो दो टाइप के लार्वा का ग्रुप है न्यूरोमास्ट को एबलेटेड किया हटाया है और दूसरे के अंदर मिडल तो ये है मिडल न्यूरोस्ट एबलेटेड इस डार्क पॉइंट शो कर रहा है और ये वाला है

एज दे ट्राइड टू अवॉइड करेंट क्योंकि वो लार्वा जब नेचुरली पानी में थे तो फिश है वो साइंटिस्ट तो, uh, ने जो लार्वा के दो ग्रुप बनाए उसमें एक में टेल से न्यूरोमास को हटाया और एक में मिडल एरिया से और फिर एक्सपेरिमेंटली सक्सम प्रेशर क्रिएट किया और फिर चेक किया कि क्या उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है तो आगे लिखा है कि दीज लार्वा वर

यहां पे देखना लार्वा स्टार्टिंग में यहां था और एंड में वो यहां पहुंच गया है ना तो इसका मतलब ये है कि फ्रॉम फ्रॉम स्टार्ट स्टार्ट टू टू फिनिश फिनिश ऑफ द एक्सपेरिमेंट दीज मतलब एक्सपेरिमेंट की शुरुआत में लार्वा यहां थे या यहां थे और एंड में यहां या यहां, यहां पहुंचे लिखा है कि दीज रिकॉर्डिंग वर प्लॉटेड इन रिकॉर्डिंग को प्लॉटेड किया गया एक्स और वाई जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग दीज रिकॉर्डिंग वर प्लॉटेड एज सोन इन द फिगर बिलो फिर लिखा है नोट में कि द सक्सन सोर्स इज लोकेटेड एट द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके ओरिजिन uh, पॉइंट पे वो था तो जैसे अपन लोग ओरिजिन पॉइंट इसको मान ले तो यहाँ पे एक सक्सन प्रेशर लग रहा है यहां से उन लार्वा को खींचा जा रहा है तो फिर आप लोग देखना कि मिड एम एन क्या था यहां पे मिडल न्यूरोमास्ट एबलेटेड तो मिडल न्यूरोमास्ट एबलेटेड जिन लार्वा के मिडल एरिया से न्यूरोमास्ट हटाया गया उनको डार्क से डिनोट किया है वो स्टार्टिंग में यहां थे और जैसे जैसे सक्शन प्रेशर लगा तो उनको खींच, उनको खींचा गया लेकिन उन्होंने मिडल पार्ट से हटने के बाद भी न्यूरोमास्ट के उस सक्शन प्रेशर को सेंस कर लिया और उससे दूर चले गए इसका मतलब है कि मिडल एरिया से न्यूरोमास्ट को हटाने के बावजूद भी उनके सेंसेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड कर रहा है कि जो न्यूरोमास्ट है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है नंबर पे नहीं कर रहा अगर नंबर पे करता तो मिडल से हटा दिया तो कम हो जाते लेकिन कम हो गए फिर भी इफेक्ट नहीं पड़ा यानी सेंसेशन डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड कर रहा है दूसरा फिर आ, दूसरा एक ये वाला देखने कि कैडवल न्यूरोमास्ट अबलेटर जिनकी पूछ वाले एरिया से न्यूरोमास्ट को हटाया वो स्टार्टिंग में यहां थे और जैसे उनको खींचा गया सक्सन प्रेशर से तो उसकी तरफ वो खींचे चले गए और लास्ट में मारे गए यानी वो उसको सेंस नहीं कर पाए सेंस नहीं कर पाए इसका मतलब है कि जो कैडल एरिया है उस एरिया में जो न्यूरोमास्ट है वो जो डिस्ट्रीब्यूशन उस एरिया में वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो उसकी सेंसेशन में हेल्प कर रहा है ना तो फिर ऑप्शन आर करेक्ट इंटरप्रिटेशन इस पूरे एक्सपेरिमेंट का करेक्ट इंटरप्रिटेशन क्या है तो पहले विद कैडवल न्यूरोमास्ट एबलेटेड आर मोर एफिशियंट इन अवॉइडिंग Ablated जो लार्वा है, क्या वो ज्यादा थे? देखो कैडवल वाले स्टार्ट यहां पे थे सक्सन प्रेशर लगा वो तो सेंस कर ही नहीं पाए और वो मारे गए इधर आ गए तो क्या वो एफिशिएंट है नहीं एफिशियंट कौन है मिडल स्ट अबलेटर वो ज्यादा एफिशियंट है क्योंकि उन्होंने उसको सेंस कर लिया तो पहला ऑप्शन जो वो रोंग हो गया दूसरा देखे विद मिडल मिडल ब्लास्ट जो हटाया गया उसके बावजूद भी उन्होंने उसको सेंस किया वो ज्यादा एफिशियंट है एज कंपेयर टू द लार्वा विद न्यूरोब्लास्ट अबलेटेड ये स्टेटमेंट सही है क्यों सही है ये देखो मिडल वालों ने जैसे खींचा गया फिर भी वो उसको सेंस करके दूर चले गए वो ज्यादा एफिशिएंट है और जो कैडुअल वाले हैं वो उसकी तरफ खींचे चले गए तो सेकंड स्टेटमेंट जो वो यहां पे सही है तीसरा देखते हैं इट मे बी डिड्यूस दैट बोथ द लोकेशन एंड नंबर ऑफ न्यूरोमास्ट प्ले अ रोल इन डिटेक्टिंग अ कंटीन्यूअस सक्शन सोर्स नहीं ओनली लोकेशन अगर नंबर होता तो मिडल वाले के तो कम हो गए मिडल वाला जो था उसके तो कम हो गए फिर भी उसने सेंस कर लिया इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो है उस पर डिपेंड है Cadwell से हटाया हटते ही वो सेंस कर ही नहीं पाया तो ये वाला जो है वो रॉन्ग हो गया तीसरा और देखते इट मे बी डिड्यूस दैट ओनली द लोकेशन ऑफ न्यूरोस्ट न्यूरोमास्ट प्ले ए रोल इन डिटेक्टिंग ए सक्शन सोर्स ये भी सही है इसमें टू भी सही है और फोर भी सही है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 59 जो है वो एनिमल बिहेवियर से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है इसमें एनिमल जो हैं उन वो कैसे अपने सराउंडिंग जो है उसमें बचने के लिए अडेप्ट होने के लिए प्रोडेशन से बचने के लिए मिमिक्री करते हैं मतलब अपने सराउंडिंग की अपने सराउंडिंग में जो ऑर्गेनिज्म है उनकी कॉपी करते हैं तो जो मिमिक्री करता है उसको मिमिक बोलते हैं और जिसकी कॉपी हो रही है उसको मॉडल बोला गया है

हार्मफुल पॉइजनस एनिमल की कॉपी कर रहा है ताकि उसके प्रोडिक्ट को लगे कि ये तो खतरनाक टाइप का एनिमल है अगर इसको मैं खाऊंगा इस, इस पर अटैक करूंगा तो ये पॉइजनस है इससे मेरे को नुकसान हो जाएगा और एक्चुअल में वो इतना हार्मफुल है नहीं वो तो किसी दूसरे हार्मफुल की कॉपी कर रहा है तो फिर वाइल्ड इन मोलेरियन टाइप ऑफ मेविक्री मोलेरियन टाइप की जो मेविक्री उसमें टू रिलेटेड और अनरिलेटेड डिस्टेस्ट जो खाने में इतना टेस्टफुल नहीं है और पॉइजनस है एनिमल डेवलप सिमिलर मोलेरियन टाइप की जो मेमिक्री है उसमें आ, दो ऑर्गेनिज्म दोनों के दोनों ही हार्मफुल हार्मुल पॉइजनस है और दोनों किसी प्रिडेटर से बचने के लिए दोनों एक दूसरे की कॉपी करते हैं और दोनों जब एक दूसरे की कॉपी करते हैं तो इससे और इस उनका प्रीडेटर क्या होगा कॉमन होगा कॉमन प्रीडेटर के कारण वो जब दोनों एक दूसरे की कॉपी करते हैं कि दोनों ही हार्मफुल हैं और वैसे दोनों ही डिस्टेन्सफुल हैं पॉइजनस हैं फिर भी वो दोनों एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं तो प्रीडेटर को लगेगा कि ये डेंजरस टाइप के एनिमल वाला है तो इस मुलेरियन टाइप की जो मेमिक्री है उसमें दोनों ऑर्गेनिज्म मिमिक और मॉडल दोनों को फायदा होता है है ना

ये एक टाइप का पेरासाइटिक रिलेशनशिप है जिसमें एक को बेनिफिट हो रहा है दूसरे को कोई बेनिफिट भी नहीं है तो कोई ज्यादा नुकसान भी नहीं है थोड़ा बहुत अगर देखें लेकिन म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप नहीं है क्योंकि इसमें देखो किन काइंड ऑफ मेमिक्री ए हार्मलेस एनिमल मिमिक ए डिस्टेस्टफुल पॉइजनस एनिमल एक दूसरा एनिमल है जो खतरनाक है पॉइजनस है टेस्टफुल नहीं है उसकी कॉपी एक दूसरा एनिमल कर रहा है जो टेस्टफुल है तो टेस्टफुल एनिमल किसी टेस्टलेस एनिमल हार्मफुल एनिमल की कॉपी करके अपने प्रिडेटर को ये दिखाना चाहता है कि मैं खाने में स्वादिष्ट नहीं हूं तो इसमें एक को ही फायदा हुआ है दूसरे को फायदा नहीं हुआ है ना इसलिए ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप नहीं है ये गलत हो गया यहाँ पे तीसरा बैट्सियन मिमिक्री एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट इवोलियन मेमिक्रीजाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल नहीं जितनी भी मेमिक्री तो है, है।, तो है वो सब की सब क्या है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नहीं है क्योंकि डाइवर्जेंट में तो कॉमन एनसेस्टर होता तो ये भी रॉन्ग हो गया चौथा इट इज असेंशियल टू हैव ए कॉमन प्रेडिटर फॉर मुलेरियन मेमिक्री टू इवोल्व मुलेरियन मिमिक्री जो है दूसरी वाली उसमें एक कॉमन होता है और उससे बचने के लिए दोनों जो मॉडल और मिमिक है वो एक दूसरे की कॉपी करते हैं जिससे वो और जो है वो डिस्ट्रेस नजर आते हैं ना तो ये दोनों में कॉमन होता है तो ये स्टेटमेंट भी सही है तो इसमें वन और फोर दोनों ही सही जाने चाहिए ना ठीक है अंतिम जो क्वेश्चन है सिक्सटी वाला तो ये देखें कि जो भी एनिमल अपने फूड के लिए मेराइन जो ऑर्गेनिज्म है उन पर डिपेंड रहते हैं वो बर्ड्स भी हो सकते हैं, पानी के अंदर मौजूद दूसरे हैं तो वो जब पान सॉल्टी वाटर समुद्र का जो पानी है सॉल्टी जो पानी है उसमें मौजूद एनिमल को जब वो खाते हैं तो उन एनिमल्स की बॉडी से सोल्ट वो जो खा रहे हैं उन एनिमल की बॉडी में जाते हैं क्योंकि कोई प्रिय अगर पानी के अंदर है समुद्री पानी में तो उसके अकॉर्डिंग उसकी बॉडी के अंदर भी ऑस्मोलैरिटी होगी सॉल्ट होंगे तो बॉडी के साथ मीट के साथ सॉल्ट भी जाते हैं उन सॉल्ट को बॉडी से हटाने के लिए एनिमल्स के अंदर स्पेसिफिक ग्लैंड्स होती हैं सॉल्ट ग्लैंड्स और उनकी हेल्प से उनको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है तो यहाँ पे आ, कई बर्ड्स होते हैं जिसके अंदर नोस्टिल के ऊपर की तरफ भी होती है उसे नाक को झिटकते हैं जिससे वो सॉल्ट जो बाहर की तरफ निकलता है टेंगविन एक फ्लाइटलेस बर्ड्स है और ये पैंग जो है उस पर रिसर्च हुआ है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि उसके अंदर हेड के ऊपर जो साल्ट को एक्सक्रीट आउट करने के लिए जो डिप्रेशन है जिसके अंदर वो ग्लैंड उसका साइज बड़ा है या छोटा तो जितना कोई एनिमल ज्यादा सोल्टी वाटर में रहने वाले आइसोटोनिक या हाइपर ऑस्मोटिक एनिमल को डाइट मिलेगा उसमें सोल्ट उतनी ज्यादा होंगे उतनी वो डिप्रेशन केविटी बड़ी होगी जिसके अंदर वो सोल्ट को रिमूव करने वाली ग्लैंड है और जितना सोल्टी फूड कम खाएगा उतना ही उस ग्लैंड का साइज छोटा होगा तो वो डिप्रेशन मतलब केविटी भी छोटी होगी तो इस पे बेस्ड इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है चलो देखते हैं कि द सोल्ट ग्लैंड इन पेंगविन आर लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द स्कल स्कल जो है उसके टॉप पे जैसी स्कल दी उसके टॉप पे ऑफ द स्कल इन ए डिप्रेशन एक अब वो आँखों के उपर, उसके अंदर दिगर बिलो डिपिक द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटिव सोल्ट ग्लैंड एंडेज फिश इन डाइट ऑफ टेन पैंगीज दस पैंग की स्पेशीज है ये देखो हालांकि इसमें पूरा क्लियर नजर नहीं आ रहा है आपके पास वो पेपर उसमें आपको नजर आएगा कि जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन दस पैंग की अलग अलग स्पीशीज है और ये जो दस पैंगविन की स्पीशीज हैं इनकी जो डाइट है उसमें जो फिश का परसेंटेज है देखो इधर से जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हैं ये ज्यादा फिश पे डिपेंड है यादव तो फिस्क आ रही है और इस एक्सिस पे दिखा है कि रिलेटिव साल्ट ग्लैंड डिप्रेशन साइज कि जो साल्ट ग्लैंड जो है उनका जो डिप्रेशन साइज है वो कितना वो इस एक्सिस पे यहाँ पे शो किया गया है ना तो फिर इसमें आगे जो लिखा है

को रिलेटिंग विद ए डाइट हाई इन हाइपो ऑस्मोटिक फिश हाइपो मतलब है कि बाहर जो पानी है है उसमें तो ज्यादा है, और जो फिश है उसकी बॉडी में सोल्यूट कम है तो बाहर पानी के कंपेरिजन में यह हाइपो ऑस्मोटिक हो गई तो अगर हाइपो ऑस्मोटिक है तो ये फिश अगर पेंगविन खाएगा तो उसकी बॉडी में सोल्ट ज्यादा जाएंगे या कम

मान लो एक हजार मिली ओस्मो पर लीटर ऑस्मोलिटी है उसमें कुछ मेरेन इनवर्टिब्रेट हैं वो उसके आइसोस्मोटिक हैं तो जितना बाहर सोल्यूट्स हैं उतना ही है उसके अंदर भी सोल्यूट्स हैं इसका मतलब ये तो बहुत ज्यादा है और इनको अगर खाया तो फिर तो सोल्ट ग्लैंड का साइज बढ़ना चाहिए ना इसके अंदर क्या दिया कि वो छोटा है तो ये तो उल्टा हो गया एक्चुअल में आ, इसके लिए मतलब लार्जर साल्ट ग्लैंड डिप्रेशन को रिलेटिंग वि और यहां जो कि स्मॉलर साल्ट ग्लैंड डिप्रेशन को रिलेटिंग विद यहां आएगा इन हाइपोस्मोटिक फिश तब ये सही होता है ना तो ये वाला रोंग हो गया दूसरा देखें लार्जर सोल्ट ग्लैंडिप्रेशन को रिलेटिंग विद ए डाइट हाई इन आइसोस्मोटिक मेरी में परफेक्ट दिया फिश उससे सोल्यूट कम जाएंगे और इसलिए सोल्ट ग्लेड का साइज भी छोटा हो जाएगा ये तो सही है तीसरा देखते हैं एडिले पैंग्विन एडिले एन उटलेयर प्रॉबेबली रिसेंटली फो अभी अभी मोस्टली क्रिल डायट से मोस्टली फिश डायट पे आ गई क्रिल डाइट का मतलब है जिसमें छोटे फाइटोप्लैंग एलगी हो यूनिसेलुलर प्लांट सेल्स हो वो सब क्रिल डाइट के अंदर आते हैं लेकिन अगर इस लाइन को अपन उस फिगर से देखें तो ये जो पेंगुइन एडेलिक स्पीशीज दी वो यहां दी है देखो और अगर यहां दी है तो फिश का परसेंटेज यहां पर कम है फिश का परसेंटेज यहां ज्यादा देखो कितना दी 100% तो इस पे तो ये पेंगुइन की स्पीशीज डिपेंडेंट है और ये जो पेंगुइन की स्पीशीज है वो कम फिश पे डिपेंड है क्रिल डाइट पे ज्यादा है और वो स्टेटमेंट देखो अगला कि पेंग्विन एडली एन आउटलेयर प्रोबेबली ये अलग है ऊपर एड आउटलेयर प्रोबेबली का मतलब क्या है ये इनसे अलग ही नजर आ रही है अलग ही डाइट के कारण ऐसा क्यों प्रोबेबली बिकॉज़ दे रिसेंटली स्विफ्टेड फ्रॉम मोस्टली क्रिल तो मोस्टली फिश डाइट ये गलत हो गया यहां पर ये होता मोस्टली क्यों? फिगर देखो ये फिश का इसके सामने कम है, ये krill पे ज्यादा है, है ना तो ये वाला लास्ट वाला स्टेटमेंट कि एडले इज एन आउटलियर पॉबेबिली बिकॉज दे रिसेंटली शिफ्टेड फ्रॉम मोस्टली फिश टू मोस्टली डाइट ये सही है तो इसमें टू भी सही है और फोर भी सही है ये वाला आप लोग देखो फिश है वो क्रिल डाइट पे आ गए तो ये फिगर देखो इस फिगर में फिश का परसेंटेज कम हो गया तो वो फिश को कम खा रहे छोटे माइक्रोस्कोपिक क्रस्टेशियन है जो प्लेंगटेंस है फाटो खा रहे हैं ठीक है एक इस पेपर के अंदर एक क्वेश्चन है जो आपको केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उसके अंदर एंड के अंदर उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको वो क्वेश्चन नंबर में बता देता हूं अभी ये है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री ठीक है तो आई होप आप लोगों ने जो सॉल्यूशन है उसको एंजॉय किया होगा ठीक है बेस्ट ऑफ लक हेलो स्टूडेंट्स आई एम सर्वेश कुमार यादव टीम बोटनी सीएलसी सीकर तो बेटा बात नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर फोर

सेल द सेलुलर लोकेशन वेर इन दीज वुड मोस्ट प्रीडोमिनेंटली बी प्रेजेंट रेस्पेक्टिवली तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है।, है जो आपको मालूम ही है तो आपको बताना है कि इनकी लोकेशन प्रॉपरली सेल में कहा है यूकैरियोटिक सेल में तो बेटा इसके लिए आपको इनके फंक्शंस भी मालूम होने चाहिए तो मैं बात करूं पहले चैपेरोनिन तो जो चैपेरोनिन प्रोटीन होती हैं दीज आर कोल्ड ट सोक प्रोटीन ओके हीट सोक प्रोटीन और जो हिट्स प्रोटीन है उनका फंक्शन होता है मिसफोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन इन हाई हीट कंडीशन सो एक तरह का क्या हो गया, गया बेटा ये अडेप्टेशन हो गया तो ये चेपेन कौन है हीट सॉफ प्रोटीन है जो क्या करेंगे जो प्रोटीन है साइटोप्लाज्म में उनकी मिसफोल्डिंग को प्रिवेंट कर देंगे जब हीट ज्यादा हाई हो जाती है ये ड्यूरिंग द एडेप्टेशन होता है ताकि वो उससे प्रोटेक्शन एंश्योर रहे तो इनकी जो लोकेशन है वो इससे इसने पूछी है तो लोकेशन है साइटोप्लाइटोसोम तो स्प्लाइसोसोम्स का जो बेसिस है वो आपकी एनसीईआरटी भी कवर करती है स्प्लाइसियोसोम्स हेल्प इन स्प्लाइसिंग एंड व्हाट इज स्प्लाइसिंग स्प्लाइसिंग प्रोसेस होंगे? Splicing Splicing क्या है कैटालिटिक प्रोटीन है और जो कैल्सियम डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन होती है इंपॉर्टेंट है अगर मैं बात करूं ह्यूमन वगैरह की तो इनका जो रोल होता है वो होता है डिजीज में दे रेगुलट दैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इसके अलावा इनका और भी रोल होता है उनमें काफी अच्छा रोल होता है जैसे आपके जो ये कैल्शियम डिपेंडेंट काोटी एजेंट्स काम करेंगे ऑफ द चैनल्स एनजाइम्स एंड मैनी अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर तो इतनी अप्रोच पे तो आपको जाना नहीं है लेकिन इसने लोकेशन पूछ ली ना तो इनकी लोकेशन क्या हो जाएगी साइटो प्लाज्मा तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट बताओ आंसर क्या जाएगा चेपरोनिन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म स्प्लाइसोम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड कैल्शियम डिपेंडेंट काइनेज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म सो आंसर शुड बी फोर्थ ओके अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओके तो okay, तो आपका नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉरी ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रूट हेयर cells selectively allow absorbed mineral to pass through plasmodesmata into the endodermal cell which then enter the xylem vessel the indiscriminate absorption of mineral through apoplastic route on the other hand may admit undesirable mineral this is prevented by अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा ये एनसीआरटी से ही कवर हो जाता है कॉन्सेप्ट आपको पता है जो रूट है उनकी जो एंडोडर्मिस उस है उसमें क्या प्रेजेंट है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स विच आर मेड अप ऑफ सुबेरिन

लास्ट तो इनका अच्छा रोल है ओरिएंटेशन से कवर होता है तो इसमें सिंपल सा डायरेक्ट आंसर चला जाता है सुबेरिन इन द वॉल ऑफ द एंडोडर्मल सेल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन इजी है इसने कंडीशन दी है 100 बैक्टीरियल सेल्स आर इनक्यूबेटेड इन ए ग्रोथ मीडियम आपने ग्रोथ मीडियम लिया उसमें आपने 100 बैक्टीरियल सेल ऐड कर दिए इंक्यूबेशन के लिए आपने छोड़ दिए उनके कल्चरिंग के लिए उनको आपने रखा उसमें सेल डबल हो, हो, हो रही है एक से दो सेलेक्ट द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन द्रोथ आफ्टर ट्वेंटी आवर्स ऑफ द इनक्यूबेशन तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा फार्मूला आप जानते हो बेटा टू की पावर एन वाला फार्मूला यहां पर अप्लाई होगा

2 की पावर 40 और 2 की पावर 40 जो है वो होता है बेटा आपका 10 की पावर 12 बट इनिशियली आपने सेल कितनी ली है 100 तो क्या करोगे 100 multiply 10 की पावर 12 तो आंसर आ जाएगा आपका 10 की पावर 14 तो यहां पर आंसर देखो आप 10 की पावर 14 ओके थोड़ा कैलकुलेटिव अदरवाइज बिल्कुल कॉन्सेप्ट इजी क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर थोड़ा अप्रोच इसके बाहर से है ए माइटल इज ए इनिबीटर उसने कंडीशन खुद दी आपको चल के देखो बेटा क्वेश्चन सारे ट्रिकी हैं यहाँ लेवल ट्वेल्थ का है इलेवन ट्वेल्थ का है बट थोड़ा ट्रिकी थोड़ा आईक्यू लेवल यूज करना होता है यहां पर उसने बोला ए माइटल इज ए इनिबीटर ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एंड वी नो In ETS there are five complexes. Complex first, complex second, complex third, complex four and complex fifth. Complex first is NADH dehydrogenase which oxidizes the NADH2. Okay? ये concept यहाँ काम आ रहा है. तो complex first को ये जो Methyl है, Methyl जो actual में क्या होता है, Barbiturate होता है, इसका एक दूसरा नाम है. तो ये complex first को क्या करेगा? Inhibit कर देगा. Complex first अगर inhibit हो गया, तो आपको पता है, फिर electrons जो है वो आगे कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफर नहीं होंगे कॉम्प्लेक्स थर्ड से जा, में जाएंगे तो वहां पर ट्रांसफर क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, हो जाएगा 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 रुक ब्लॉक तो इसका मतलब यहां पर NADH2 का क्या नहीं होगा ऑक्सीडेशन नहीं होगा वहां उससे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा बट वी वीनो एफ एडीएसोक्सीडाइज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एन एफ ऑक्सीडेशन कौन करेगा बेटा कॉम्प्लेक्स सेकेंड कॉम्प्लेक्स सेकेंड इज

कोई लेना देना नहीं है देर इलेक्ट्रॉन फ्लो इलेक्ट्रॉन कीप द इलेक्ट्रॉन एक्टिव तो यहां पर क्या होगा फ्यू इलेक्ट्रॉन्स हैं जो क्या करेंगे उसको रन करके रखेंगे तो यहां पर आंसर क्या होना चाहिए आपका सेकंड ओके हेलो एवरीवन आई एम बीएल चौधरी टीम बोटनी सीएलसी सीकर तो प्यारे बच्चों हम आज सॉल्यूशन कर रहे हैं एनएसईबी 2023 इट मीन एबीटीएस एसोसिएशन टॉप टीचर इन बायोलॉजिकल साइंस जो आपका पेपर था ओलंपियाड इसको अपन कहते हैं तो इसके कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर रहे हैं और पूरी टीम सीएलसी आपको इस पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है तो देखिए हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं बच्चों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नॉट प्रीवेलेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग देखिए स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि

या लीवर की जो ब्लड सीरम प्रोटीन को जो रिलीज करने सेल्स होती है वहां पर आर आर एक्सटेंसिवली फॉर्म में होती है लेकिन कुछ जगह होते हैं जैसे गोनाड होते हैं जो आप समझ सकते हो कि एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन उनकी जो सेल्स होती है गोनाड्स की तो टेस्टिस और ओवेरी अगर अपन टेस्टिस का माइक्रोग्राफ लेते हैं तो उसमें लेडिंग सेल्स का अपन अगर माइक्रोग्राफ लेते हैं तो वहां एक्सटेंसिवली फॉर्म में एस आर है क्योंकि जो भी स्टेरोडल हार्मोन होते हैं सेक्स हार्मोन क्लियर और इसी प्रकार ओवेरी में भी जो सेक्स हार्मोन है तो वहां पर तो एक्सटेंसिल तो तो होती होती तो तो क्योंकि जो पेनक्रियाज पर बच्चों जानते हो पेनक्रियाटिक सेल्स जो डाइजेस्टिव एंजाइम तो एंजाइम या प्रोटीन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और पेनक्रियाज सेल में

ए साइट ऑफ द राइबोसोम क्वेश्चन अच्छा है बेटा कॉन्सेप्ट चला लगी रहा छोटा क्वेश्चन इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एंड वी नो ड्यूरिंग ट्रांसलेशन द बोथ सबनेट ऑफ राइबोसोम अटैच टू टुगेदर ये कौन हो गया बेटा आपका एमआरएनए ये राइबोसोमल लार्ज सबनेट ये साइट कौन सी होगी आपकी पी साइट और ये कौन सी साइट अज्यूम की जाती है ए साइट ओके पी साइट एंड ए साइट याद करो जब भी ट्रांसलेशन

तो इलोंगेशन में कौन सी साइट काम तो आप बताओ कितने amino acid है? 90 हैं. तो 90 amino acid में इसने condition क्या दे दी? ए साइट तो में कितनी बार अटैच होगा कितनी बार टी आर एन एटी नाइन फर्स्ट पी साइट में उसके अलावा जितने भी हैं वो ए साइट में एंटर होंगे. तो सिंपल हो जाता है कॉन्सेप्ट के बाद ये तो आंसर क्या हो जाएगा एटी नाइन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है साइंटिस्ट वांट टू सिंथेसाइज रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या बनाना है आर डीएनए का फॉर्मेशन करना है आर डीएनए क्या होता है बेटा इसमें दो डिफरेंट टाइप के जो डीएनए uh, है. के हैं डिफरेंट सोर्स उनको क्या करना है आपको लाइगेट करना है ज्वाइन करना है दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए डीएनए काइमेरिक ओके आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ एंजाइम दैट विल बी यूज्ड टू कट द वेक्टर डीएनए एंड सील द डीएनए आफ्टर इंसर्टिंग द फ्रेगमेंट ऑफ द इंसर्ट

नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है प्रेजेंट नाइट्रोजन इन डिफरेंट कंपोनेट विद इन द लीफ ऑफ टू प्लांट स्पीसीज एम एंड एन इट्स ऑन इन द फॉलोइंग डायग्राम क्या रिप्रेजेंट किया उसने प्रेजेंट नाइट्रोजन इन डिफरेंट कंपोनेंट ओके एम एन मोस्ट लाइकली रेस्पेक्टिवली इंडिकेट अब आपको बताना है कि एम और एन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा

तो अदर सोल्यूबल जो प्रोटीन्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर देखो यहाँ ट्वेंटी फाइव परसेंट और यहाँ पर ट्वेंटी लाइट हार्वेस्टिंग प्रोटीन लाइट हार्वेस्टिंग प्रोटीन जो है ये रिप्रेजेंट करवा रहा है इसको इसमें डिफरेंस आ गया और इसके बाद एनर्जेटिक्स बायो एनर्जेटिक्स थोड़ा डार्क दिया है तो ये बायो एनर्जेटिक्स सिक्स परसेंट और यहाँ पर है सेवन परसेंट और अदर्स अदर्स कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं तो यहाँ देखो एक दो अप्रोच अगर काम आपके याद है तो वही लग जाती है उससे आंसर आपका निकल सकता है तो रूबिस्को का अमाउंट बताओ बेटा रुबिसको सी थ्री प्लांट में ज्यादा है मीजोफिल सेल है जहां अपन बात करें किसकी सी फोर प्लांट की क्रेन जेनाटो में, तो में होगा बंडल सीथ में मीजोफिल सेल में रुबिसको क्या है अपसेंट है तो मान सकते हैं रुबिसको का अमाउंट किसमें हाई होगा सी थ्री प्लांट में एक दो कंडीशन और दे रखी है कि आपका जो बायोनर्जेटिक्स है यहां पर है सेवन सिक्स परसेंट और यहां सेवन परसेंट तो ऑबियसली वी नो सी फोर प्लांट रिक्वायर मोर लाइट

क्योंकि यहां पर उसने दो तीन ऐसे हिंट दे रखे हैं कि बच्चा उसको अप्रोच कर सके तो इसके अकॉर्डिंग जो है C3 और C4 पे जाना चाह रहा है वो तो आप बताओ डिफरेंस में ये C3 प्लांट होगा और ये कौन होगा C4 प्लांट अब आप बोलोगे सर कैम प्लांट भी ऑप्शन में दे रखा है ये भी तो हो सकता है तो बेटा लेवल होता है थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल ऑप्शन वो डिजाइन करते ही करते हैं लेकिन जो कैम प्लांट है अगर उसकी बात करें तो वहां पर क्रेन जेनाटोमी है वहां पर आप जानते हो मीजोफिल सेल में क्या होगा फोटो सिंथिस होगा तो मीजोफिल सेल में होगा तो रुबिस्को का अमाउंट जो है वो C4 प्लांट्स प्लांट उसमें भी क्या है हाई है लेकिन कंपैरिजन यहाँ किसका करवाया सी थ्री एंड C4 प्लांट का ओके तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका C3 एंड सी प्लांट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है बेटा ओके ड्यूरिंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्टेट एक्स टू सीओ एंड एच टोटल ऑफ प्रोटॉन्स तो उसने प्रोटॉन का नंबर दे दिया 110 प्रोटॉन्स कितने प्रोटॉन जो है प्रोड्यूस हो रहे है? 110 प्रोटॉन्स ओके रेस्पिरेशन रिलेटेड क्वेश्चन आ गया रिक्वायरमेंट होती है उसके बाद में क्या बनाएं, बनाएंगे ट्रांसपोर्टेड आउट अक्रॉस द इनर फोर प्रोटोन आयन आर सेंड बैक टू तो जनरेट वन एटीपी का फॉर्मेशन जो है वो फोर प्रोटोन से होता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग डेटा यहां कैलकुलेट करना होगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटीपी जनरेटेड एंड ऑक्सीडाइज अज्यूम दैट इज नॉट आपका अजम्पशन लेना होगा कि यहां पर FADS2 का कोई रोल नहीं है तो आपको एनएडीएस के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी होगी <coughs> देखो बेटा ये है इनर माइक्रोकोनियल मेम्ब्रेन इधर आएगा आपका पीएमएस और इधर ले, ले लेते हैं अपन मैट्रिक्स ओके ये कह रहा है कि जब एन का ऑक्सीडेशन हुआ तो जो प्रोटोन है वो कितने पंप हुए एम में कितने गए तो यहां पर बता रहे वन हंड्रेड टेन प्रोटोन और जैसे ये यह यहां वापस बैक आएंगे थ्रू द एटीपी सिंथेज तो यहां पर किसका फॉर्मेशन होता है ए डी पी प्लस आईपी फॉर्मेशन ऑफ ए टीपी और एक ए टीपी फॉर्मेशन के लिए कितने प्रोटोन इसने कंडीशन दे दी बेटा फोर प्रोटोन तो आप बताओ 110 प्रोटॉन है और 4 प्रोटॉन रिक्वायर्ड फॉर द 1 एटीपी जनरेशन तो यहां, तो यहां पर देख लो कितना जाएगा आपको 28 पे जाना होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो तो ये क्या हो गया आपके एटीपी ये तो सिंपल हो गया लेकिन इसने पूछा ऑक्सीडाइज नंबर ऑफ ऑक्सीडाइज तो यहां पर देखो दो आप अप्रोच लगा सकते हो सिंपल अप्रोच बताता हूं मैं आपको एक एन टू का जो ऑक्सीडेशन होता है तो वो टेन प्रोटोन को ट्रांसफर करवाता है द पीएमएस तो तो उसके अकॉर्डिंग करोगे हो हो गया अपॉन कितना हो जाएगा बेटा इलेवन एन एस टू अदरवाइज यहां आप एटीपी के अकॉर्डिंग करोगे तो इसकी अप्रोच अलग है बेटा यहां पर जो अप्रोच ली जाती है हायर लेवल पे तो वहां होता है आपका जो एन ए डी एस टू है एक टू जो है वो 2.5 एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है क्योंकि उसने फोर प्रोटॉन का जो है बेसिस लिया है तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर 2.5 एटीपी तो कितने टू की रिक्वायरमेंट होगी मल्टीप्लाई करके देख लो कितने आएंगे आपके 11 तो ये आंसर क्या हो जाएगा 11 एनएडीएच एंड 28 एटीपीज ओके okay? थोड़ा कंसेप्चुअल है

सुक्रोज सोल्यूशन तो ऑब्वियसली सुक्रोज सोल्यूशन लिया है तो ये क्या हो गया आपका हाइपर टॉनिक सोल्यूशन हो गया कंसेंट्रेशन आपने इंक्रीज कर रखी है ऑब्जर्व द स्टोमेटल स्टेटस यहां पर आपको ऑब्जर्व क्या करना है स्टोमेटल स्टेटस को स्टोमेटा क्लोज है ओपन है कंडीशन लाइट है लाइट के एब्सेंस में वो इसने है कंडीशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इन द एब्सेंस ऑफ द लाइट तो बिल्कुल इस फ्लो चार्ट को देखें उसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन बनेगा द प्रेजेंस ऑफ लाइट इन दबेंस ऑफ लाइट तो लाइट अगर प्रेजेंट है तो जो लीफ एम है, 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 है? तो है सुक्रोज ट्रीटमेंट नहीं है नॉर्मल है, है और लाइट की प्रेजेंट है।, है, है लाइट की प्रेजेंस में ओपन और यहां कंडीशन क्या लाइट की अबसेंस में स्टोमेटा क्या हो गया

लाइट तो स्टोमेटा क्लोज है ही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां पर रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स आ रहा है सुक्रो सोल्यूशन है तो वहां पर क्या होगा कंडीशन जैसे स्ट्रेसफुल तो स्टोमेटा को क्या कर लेगा वो क्लोज कर लेगा लाइट प्रेजेंट है लेकिन कंडीशन क्या स्ट्रेसफुल तो स्टोमेटा क्या Close हो जाएगा क्लोज हो जाएगा अब दूसरे केस में आओ लीफ एन है बिफोर सुक्रोस ट्रीटमेंट नॉर्मल कंडीशन है तो यहां पर स्टोमेटा क्लोज है और लाइट की अब्सेंस में स्टोमेटा ओपन है इसका मतलब यहां पर कंडीशन क्या आ गई बेटा पक्का क्या है स्कोटो एक्टिव और स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा किसमें होते हैं बेटा कैम प्लांट में होते हैं फिर भी कंडीशन दोनों देखो आप हो गया क्लोज और ओपन अब्सेंस ऑफ लाइट ओपन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्लोज सुक्रोज का ट्रीटमेंट किया तो यहां पर भी कंडीशन क्या आएगी स्ट्रेसफुल आएगी तो वैसे ये तो क्लोज है ऑलरेडी क्लोज है क्लोज ही रहेंगे स्टोमेटा ओपन थे कंडीशन क्या आ गई स्ट्रेसफुल आ गई सुक्रोज डालते क्या हो गए क्लोज हो गए इसका मतलब पक्का ये किसकी बात करना चाह रहा है बेटा कैम प्लांट की और यहां पर कंडीशन किसी होगी C3 प्लांट की तो यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएं M M क्या है है इज़ C3 प्लांट एंड N इज द कैम प्लांट ओके M इज द कैम प्लांट ऑप्शन थोड़ा सा मैच कर गया लेकिन आपको कंडीशन करेक्ट ऑप्शन भेजना जाना होगा एम इज सी थ्री प्लांट एंड एन इज द कैम प्लांट तो आंसर शुड बी थर्ड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है एनसीआर से थोड़ा अप्रोच है इसकी दबाउट यूबी नोन तो यूबी नोन आप बेटा पढ़ते हो याद करो यूबी नोन कहा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है यूबी नोन कौन होता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर लिखा है यूबी नोन इज द मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर दैट कैरी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्स थर्ड टू सॉरी कॉम्प्लेक्स सेकेंड टू थर्ड यहां पर मोबाइल कौन होगा इलेक्ट्रॉन कैरियर अब देखें यहां पर कंडीशन क्या देखिए इट इज एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन लाइक साइटोक्रोम तो बेटा यहां पर स्टेटमेंट यह पहला ही गलत हो गया क्योंकि तो यूबी क्यूनोन जो नेचर में प्रोटीन नहीं है और दूसरी बात आयरन कंटेनिंग नहीं है आयरन कंटेनिंग जो प्रोटीन है जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर आप जानते हो कौन होती है

फर्स्ट हो तो जाएगा तीनों स्टेटमेंट जो के रेस्पेक्ट में क्या है करेक्ट है यूबी के मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर इट इट स्मॉल हाइड्रोफोबिक इन नेचर एंड नॉट ए प्रोटीन ओके थोड़ा सिंपल हो गया। है। question, है। अच्छा क्वेश्चन है फुलौग फुलौग करेक्ट तो के बारे में आप जानते हो जीवन एस जी टू एंड एम फेज दट इज द सेल साइकिल जी नोड फेज से अगर तो कौन सी फेज में एंटर करेगी जी नोड मेटाबोलिकली एक्टिव बट डो नॉट प्रिपेयर फॉर द डिविजन तो इसमें किसमें चलेगी डिफरेंशिएशन में तो इसने कंडीशन दे दिया आपको द जी नोड फेज अरेस्ट द सेल डिवीजन एंड डज नॉट अलाउ इंटिन्यू सेल डिवीजन एवर अगेन गलत बात होगी आपको पता है अगर नीड है तो वापस जी नोड से जीवन में एंटर हो सकती है और होने के बाद फिर वापस किसमें जाएगी वो डिविजन में जाएगी तो स्टेटमेंट पहला इनकरेक्ट क्यों है इसने क्या बोला? एवर तो डायरेक्ट डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट नहीं होगा पहले जीवन में प्रिपरेशन होगी और फिर एस फेज में जाके क्या होगा डीएनए का सिंथेसिस स्टार्ट होगा तो स्टेटमेंट ये भी क्या हो गया इनकरेक्ट जी नोट फेज इज ए प्रीपरेटरी फेज जी नोड फेज में बेटा प्रीपरेशन के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करेगी क्योंकि वो वो सेल क्या हो है? हो गई गई है है अब वो डिवीजन की प्रिपरेशन करना बंद कर देगी तो स्टेटमेंट ये भी क्या हो जाएगा रॉन्ग सेल एंटर जीवन फेज पोस्ट द जी नोड फेज सही है जैसे ही उसको अगर डिवीजन में जाना है तो पहले किसमें एंटर होगी जीवन फेज में तो स्टेटमेंट यहां करेक्ट कौन सा है बेटा ये फोर्थ होना चाहिए सेल एंटर द जीवन फेज जीनोड देखिए थर्टी टू क्वेश्चन जो है इकोलॉजी से रिलेटेड है बच्चों फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिज है देखिए आपको यहां दो हैबिटेट का जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स दे रखा है यहां हैबिटेट फर्स्ट बता रखा है हैबिटेट सेकंड और यहां जो मशरूम कम्युनिटीज को शो कर रखा है अब अप, अपन ऑप्शन पे आते हैं तो हैबिटेट फर्स्ट हैज ग्रेटर स्पेसी रिचनेस देन सेकंड तो सेकंड से फर्स्ट में स्पेसी रिचनेस ग्रेटर नहीं है यहां पर ये यह गलत हो जाएगा देखिए फिर हैबिटेट फर्स्ट हैज मोर इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसीज देन यहां पर आपका बेटा सेकंड आएगा कि हैबिटेट सेकंड हैज मोर इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसीज देन फर्स्ट जबकि यहाँ इवेंट डिस्ट्रीमेंट फर्स्ट में ज्यादा है बेटा क्लियर तो ये भी क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा हैबिटेट हैज ग्रेटर देन फर्स्ट ऐसा भी कुछ नहीं है ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्लियर तो आप समझ सकते हैं कि अब फोर्थ ऑप्शन है हैबिटेट फर्स्ट इज मोर डाइवर्स देन सेकेंड तो ये करेक्ट है कि जो हैबिटेट फर्स्ट है वो मोर डाइवर्स है आप यहाँ देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप की स्पेसीज तो ज्यादा डाइवर्स है क्लियर तो यहाँ पर ऑप्शन फोर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा क्लियर नेक्स्ट अपन लेते हैं अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की नोट द फॉलोइंग प्रोसेस इसने कुछ प्रोसेस मेंशन किए हैं म्यूटेशन रिकॉम्बिनेशन पोस्ट ट्रांसलेशनल मोडिफिकेशन क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग द मियोसिस एंड अल्टरनेटिव स्पलाइसिंग ऑफ द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट जो मोलिकुलर प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देर आर अबाउट

पॉलीपेप्टाइड का नंबर है अपन जनरली पढ़ते हैं ना बेटा वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस कि एक जीन से एक एंजाइम का क्या होगा फॉर्मेशन होगा बट यहां पर जीन है 25000 और पॉलीपेप्टाइड का जो नंबर है वो क्या है बहुत ज्यादा है इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई, कोई ना कोई प्रोसेस है जिससे ये वेरिएशन आ रहा है उसने ये रीजन पूछा है तो उनमें से कौन सा रीजन हो सकता है तो थोड़ा सा हाई अप्रोच का क्वेश्चन है

थर्ड एंड फिफ्थ जिनकी वजह से जीन और पोलिपेप्टाइड के नंबर में क्या आ रहा है डिफरेंस आ रहा है तो यहां पर आंसर जो है वो होना चाहिए थर्ड एंड फिफ्थ बोले तो आंसर इज सेकंड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है सेल ऑफ द लोअर Layer of human skin divide and replace dead cell. आपको पता है, जो सेल है जो वो उनकी होती रहती है। और जो नई सेल फॉर्मेशन होता रहता है जो से वो होती रहती वाई इट इज नॉट करेक्ट टू से दैट सिमिलर टू प्लांट मैरिज टाइम जब आप बोल रहे कि हो कि भाई यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है डिवाइड हो रही है न्यू सेल का फॉर्मेशन कर रही है तो फिर उनको आपने प्लांट मैरिज टाइम से क्यों कंपेयर क्यों नहीं किया करेक्ट रीजन फ्रॉम दर डिड एनी कोई रीजन नहीं है लेना देना नहीं है बेटा क्योंकि आप तो नेचर पे जाने वाले हो दे कैन रिप्लेस ओरिजिनल सेल ओनली एन नोट एनी अदर सेल टाइप बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है बेटा ये जो स्किन वाली सेल हैं वो डिवाइड हो रही हैं डिफरेंशियट हो रही है लेकिन वो फॉर्मेशन किसका कर रही हैं स्किन सेल्स का कर रही हैं अदरवाइज जो प्लांट मेरिस्टेम है उनकी सेल में डिवीजन भी होता है और डिफ्रेंशिएशन और डिफरेंशिएट होके कोई भी सेल टाइप बना सकती है डिफरेंट टाइप्स के क्या है मेरिस्टेम है उनके फंक्शन क्या है अलग हैं तो यहां पर क्या केस होगा केवल स्किन सेल बना रही है ना कि अदर टाइप की बना रही है इसलिए उनको आप प्लांट मेरिस्टेम से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि हैं थर्ड ऑप्शन इज मोर करेक्ट ओके थर्टी सेवन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखिए स्टूडेंट दी सी इज एन एम्फीबोलिक पाथवे सच प्लेरो पाथवे दैट रेप्लेनस

थ्री एनडीएस टू और वन एफ एडीएस टू फॉर्म होते हैं क्लियर लेकिन अगर मान लो कि वो ब्रेकडाउन में नहीं जाकर वहां कोई इंटरमीडिएट लीकेज होता है तो कई सारे अदर केमिकल या अदर सबस्टेंस के सिंथेसिस में भी वो यूज होते हैं इसलिए अपन इस साइकिल को ओवरऑल एम्फीबोलिक कहते हैं क्योंकि कैटाबोलिक और एनाबोलिक जो इवेंट्स होती है उनका एक जंक्शन है तो अपन एक पॉइंट बोलते हैं कि क्रैप साइकिल इज द जंक्शन ऑफ कैटाबोलिक

सिबल फॉर सिंथेसिस यूज इन दिथेसिस ऑफ क्लोरो आप जानते हैं बच्चों तो सक्सिनल कोई प्रोटोक्लोरो लाइट इसेंशियल होता है आयरन भी इसेंशियल होता है क्लोरोफिले के फॉर्मेशन में तो ये आप देखते हैं इसी प्रकार क्या होता है कि उस क्रेप साइकिल जैसे मैं आपको कहता हूं कि क्रेप साइकिल है और ये कैटाबोलिक एनाबोलिक रिएक्शन का एक जंक्शन है कैटाबोलिक एनाबोलिक इवेंट का एक जंक्शन है अब जैसे कि इंटरमीडिएट मैंने आपसे बता दिया कि एसिटाइल को तो आप समझ सकते हैं जिब्रेलिन्स है क्यूटीन है, है, है इसी प्रकार एल्फाकिटोगलोटेरिक एमिनोसिड्स है इसी प्रकार सक्सनाइल को एंजाइमें तो क्लोरोफिल फाइटोक्रोम साइटोक्रोम और ये आप समझ सकते हो कि जो ओ ए है तो ओ ए ए प्रिमिडिन

और मेनोज नहीं होगा यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा सेकेंड क्लियर नेक्स्ट अपन लेते हैं क्वेश्चन देखिएगा आपको एक एनाटोमी के अंदर एक लीफ का एनाटोमी को शो किया गया है ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो इट इज ए क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ ऑफ एन हर्बेसियस पेरिनियल प्लांट कि वो हर्बेश लेकिन बवरसी है पेरिनियल प्लांट है एंड द बार इज इक्वल टू थर्टी फाइव माइक्रोमीटर पी ए रिप्रेजेंट पेरेंटमा पेरेन्टकाइमा है VB represent vascular bundle, तो आप देखते हैं कि लीफ एनाटोमी के अंदर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वहां पर ट्रिक बोलते हैं कि जाइलो का वादा तो जाइलो का वादा मीन बेटा जाइलम की पोजिशन वेंट्रल और अडेक्सियल होती है फ्री फ्लोएम का ढाबा तो फ्री फ्लोएम का ढाबा मीन स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा फ्री का ढाबा और और होती है क्लियर और जो जो आप समझ सकते हैं कि लीफ की पोजीशन अपर को बोलते हैं, को अबेक्सियल बोलते हैं, तो यहाँ ग्लैंडुलर जो सेल्स है तो ध्यान दीजिए ग्लैंडुलर हेयर सॉरी ग्लैंडुलर हेयर आपको यहाँ पर दिया है तो कहा कि 35 माइक्रोमीटर पी बी रिप्रेजेंट वेस्कुलर बंडल एंड जी रिप्रेजेंट ग्लैंडुलर हेयर। तो तो ऑफ द द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फर्स्ट एंड सेकंड इन पिक्चर। आपको फर्स्ट और सेकंड को रेफरेंस में पूछा है तो देखिए बच्चों यहां देख कि तो यहां नहीं हो सकता क्लियर एंडोड्रमिस एंड एपिडर्मिस

तो यहां जो कर्म रूप में अपने अबेक्सियल एपिडर्मिस एंड एपिडर्मिस रेस्पेक्टिवली, क्लियर? और आपको फर्स्ट और सेकेंड के रेफरेंस में रेस्पेक्टिवली आपसे पूछा है तो आपका आंसर यहां पर क्या होगा थर्ड होगा क्लियर बच्चों तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन

जहां ऑक्सीजन की क्या होती है डेफिशिएंसी होती है एटमॉस्फेयर में तो वो क्या करते हैं यहां पर एयर चेम्बर एयर स्पेस डेवलप कर लेते हैं जहां पर एयर क्या होती है स्टोर होती है ताकि वो उस कंडीशन में सर्वाइव कर पाए तो यहाँ पर देखो एयर एयरफील्ड स्पेस इंडिकेट द प्लांट कैन सर्वाइव इन लो ऑक्सीजन कंडीशन क्योंकि डायग्राम उन्होंने उसी कंडीशन से एक्सप्लेन किया है मेंशन किया है तो यहां पर आंसर होगा आपका फोर्थ ओके क्लियर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस uh, से तो देखिएगा इट इज ऑब्जर्व दैट प्लांट एम रिक्वायर 3000 एटीपीज एंड 1200 थाउजेंड टू हंड्रेड एन एडीपीएस टू फॉर वाइल द्लांट एन रिक्वायर 1800 एटीपीज एंड 1200 थाउजेंड टू टू सिंथेसिस सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च प्लांट एम एंड एन रेस्पेक्टिवली, तो देखिए स्टूडेंट इसको बहुत ही सिंपल वे में कीजिएगा थ्री प्लांट होते हैं सी थ्री प्लांट होते हैं जिनके अंदर शुगर में, uh, में, में थ्री स्टेपरेशन सी ओ टू फिक्सेशन के लिए वन कैलविन साइकिल होगा और वन कैलविन साइकिल में थ्री एटीपी टू एन एडीपी एस टू तो फोर ग्लूकोज फॉर्मेशन सिक्सिन साइकिल बिकॉज सिक्स सीओ टू फिक्सेशन तो आप जानते हो कि सिक्स मोलिक्यूल सीओ टू का फिक्सेशन होगा तो 18 एटीन एंड 12 बारह क्लियर और सी प्लांट में भी जो सुगर सिंथेसिस है वो आपका Kelvin से ही होगा क्योंकि कैलोविन तो बेटा से फॉर्मेशन तो कैलोविन का कैलकुलेशन तो लगेगा ही बट सी प्लांट में आप जानते हो क्रेनजेनाटोमी होती है और मीजोफिल और बंडल बंडलसी सेल होती है तो फर्स्ट कर, जो कार्बोक्सलेसन होता है वो मीजोफिल सेल्स से में होता है और पैप और सीओ तो ओ और फिर सी फोर एसिड ट्रांसफर होता है किसमें बंडल सीत में. तो में जाएगा एनर्जी तो तो जो कंज्यूम हो जाएगी तो एक साइकिल में टू एक्स्ट्रा तो फाइव एटीपी एंड टू एन एस टू तो सिक्स टाइम थर्टी एटीपी और ट्वेल्व एन एडीपीएस टू क्लियर अब आप समझ सकते हैं कि सेम

एंजाइम सिंथेटेज वाज एब तो थोड़ा सा बेटा दिमाग पे जोड़ डालो ए एंजाइम जो होता है वो एक्चुअल में कौन सी रिएक्शन एटेलाइज करवाता है ड्यूरिंग द क्रेब साइकिल दक्सीनाइल को एंजाइम ए इंटू सक्सीनेट ओके अब ये कह रहा है कि उस बैक्टीरिया में ये जो एंजाइम है वो क्या है है ये एंजाइम क्या हो गया? हो गया गया द बैक्टीरिया हाउ एवर यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर विनेगर क्या होता है बेटा एसिटिक एसिड विनेगर इज एसिटिक एसिड यूज एन अल्टरनेटिव एंजाइम इन कॉन्टेक्स्ट बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट आप थोड़ा सा इसने क्वेश्चन जो है अप्रोच अप्रोच पे लिए, अप्रोच पे एक्सपेरिमेंटल तो इन बैक्टीरिया में देखो बेटा है जो थोड़ा सा करेगा। तो एंजाइम एबसेंट है ना तो वो सक्सेनेट कैसे बनाएगा वो सक्सेनेट बना लेता है एसीटेट से एसिटिक एसिड से तो ये वाला एंजाइम उनके पास प्रेजेंट और एंजाइम होता है आपका सक्सेनेट को एंजाइम ट्रांसफरेज अब ये इतना डिटेल में आपको जाना नहीं है लेकिन वहां पर वो बता रहे है अल्टरनेटिव एंजाइम हो गया कौन सा सक्सिनेट ट्रांसफरस दैट कन्वर्ट एसटिक एसिड इनटू द सक्सिनेट इसका मतलब वो एसटिक एसिड बना रहे फर्मेंटेशन में एसटिक एसिड को फिर यूज कर रहा है किसमें कन्वर्ट इनटू सक्सिनेट ताकि क्रेब साइकिल जो है उससे भी एनर्जी मिल जाए उसे एटीपी का फॉर्मेशन हो जाए तो कंडीशन जैसे दी उसके आपको अप्रोच पे जाना होगा तो यहां पर क्या है कंडीशन देखो बेटा सीधा अल्टर एसिड इन टू दिनिक एसिड ठीक है थोड़ा एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है अप्रोच बिल्कुल हायर अप्रोच है ओके आंसर शुड बी थर्ड अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है इसने रिएक्शन 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 जो है उसका ग्राफ रिप्रेजेंट किया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कोऑर्डिनेट डायग्राम एंजाइम यूजिंग एस फॉर्मिंग प्रोडक्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स और जैसा कि अपन बेसिकली जानते द नेक्स्ट साइकिल तो जैसे एस कॉम्प्लेक्स बनता है तो वहां पर क्या आता है बेटा ट्रांजिशनल स्टेट आती है ड्यूरिंग विच सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट बाय मेकिंग और ब्रेकिंग द केमिकल बॉन्ड्स और जो एंजाइम है वो क्या करेगा बेटा सबस्ट्रेट जो है जो रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा लोअर करता है ओके okay? तो कांसेप्ट वही लिया है ये देखो दिखाया है सबस्ट्रेट है ये एक्टिवेशन एनर्जी देखो इधर मेंशन कर रखा है इतनी है बाद में जैसे ये कॉम्प्लेक्स जहां बना एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी लोअर होगी और यहाँ किसका फॉर्मेशन हो गया प्रोडक्ट का तो यहाँ डायरेक्ट अप्रोच आप लगा सकते हैं एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी असेंशियल फॉर द सबस्टेट टू मूव टू द ट्रांजिशन स्टेट ओके तो आंसर शुड बी फर्स्ट ये थोड़ा ग्राफिकल क्वेश्चन आ गया अच्छा कॉन्सेप्ट दिया उसने

अब कंडीशन कंडीशन देखना बेटा सिचुएशन दी है 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 मेंशन देखो यहां पर ये ये दे रखी है। बोल रहा जैसे डिफ्यूजन विद ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्टर के थ्रू अगर डिफ्यूजन हो रहा है तो एनर्जी का, तो का लेवल क्या हो रहा है कम हो रहा है मतलब उसको फेसिलेट कर रहा है वो. ओके? तो कंडीशन देखो बेटा ये जो चैनल है इसको क्या करेगा इस प्रोवाइड करवाएगा इसके चारों देखो ये हाइड्रोफिलिक क्या होती है कवरिंग होती है ये हो जाएगी। तो इसका मामला क्या हो गया रिवर्सिबल हो गया क्या हो गया रिवर्सिबल अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है ट्रांसपोर्टर प्रोटीन इन रिवर्सिबली कन्वर्ट सबस्ट्रेट टू ए फॉर्म तो यहां पर गलत क्यों हो गया बेटा ये नहीं करेगी वापस उसको उसी फॉर्म में फिर ले आएगी ये तो तो क्या हो गया प्रोटीन इंक्रीज फ्री तो यहां इंक्रीज गया लिख बेटा प्रोटीन जो है वो फ्री एनर्जी को क्या कर रही है डिक्रीज कर रही है ना कि इंक्रीज कर रही है इसलिए स्टेटमेंट यहां क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा ट्रांसपोर्टर प्रोटीन प्रोवाइड ए हाइड्रोफोबिक पासवे पास तो आप बताओ बेटा ये ट्रांसफर प्रोटीन है ट्रांसपोर्टर प्रोटीन तो ये हाइड्रोफोबिक पास वे ना प्रोवाइड करवाएगी उसके अंदर से नेचर क्या होती है हाइड्रोफिलिक अगर हाइड्रोफोबिक अगर हो गई तो ये तो एंटर हो ही नहीं पाएगा तो यहां नेचर क्या होगी हाइड्रो फिलिक और यहां मेंशन क्या कर गया हाइड्रोफोबिक स्टेटमेंट ये भी क्या हो गया रोंग हो गया ट्रांसफर प्रोटीन रिमूव द हाइड्रेशन सेल एंड मोलिक्यूल टू मूव अक्रॉस द मेमब्रेन ये बिल्कुल क्या हो गया करेक्ट हो गया देखो यहां पर ये हाइड्रेशन सेल को रिमूव करेगी जैसे ये एंट्रो उसमें एंट्री मारेगा दूसरी तरफ तो वापस से क्या हो जाएगा हाइड्रेशन सेल वापस इसके ऊपर कवरिंग कर लेगी तो आंसर क्या होना चाहिए बेटा आंसर शुड बी फोर्थ ओके 48 क्वेश्चन है मैं 48 क्वेश्चन की बात कर रहा था ये फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लियर जो अर्ली एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस है तो देखेगा इन एन एक्सपेरिमेंट डिफरेंट कल्चर ऑफ ए स्पाइरोगायरा स्पीशीज वर एक्सपोज्ड टू ए सिंगल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट फ्रॉम डिफरेंट स्पेक्ट्रल रीजन इन द विजिबल लाइट यूजिंग स्पेसिफिक फिल्टर एरोबिक बैक्टीरियल सेल वर आल्सो एडेड टू दीज कल्चर द एविडेंस ऑफ बैक्टीरियल सेल ब्लैक डॉट इन ईच ऑफ द डिफरेंट कल्चर अगेंस्ट द विजिबल नैनोमीटर इज सोन इन फॉलोइंग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पर आपसे बात कर रखी है, है और जो फोटोसिंथेसिस का और वहां जो एक साइंटिस्ट थे टी डब्लू एंजिलजिलमैन ने यह एक्सपेरिमेंट दिया था और टी डब्लू एंजलमैन ने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रिज्म एक को सेटअप किया था और वहां व्हाइट लाइट को इंसिडेंट किया देन आप जानते हो, जो स्पेक्ट्रल कंपोनेंट बनते हैं तो वहां पर उन्होंने एक ग्रीन एल और फिर एक एरोबिक एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन लिया था क्लियर तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर द बैक्टीरिया वर टू डिटेक्ट द साइट प्रोडक्शन क्लियर तो आप जानते हैं कि ये बात है और यहां बैक्टीरिया जो मेनली अक्यूमलेट होंगे वो कहां पर होंगे ब्लू और रेड में क्योंकि आप भी समझ सकते हो का जो एक्शन स्पेक्ट्रम ये कहता है कि फोटोसेंथेसिस uh, में जो डिफरेंट वेबलेंथ होती है जो जो वेरिएबल वेरिएबल होती है उन का uh, की जो या रेट उस पर क्या इम्पेक्ट आता है क्या इफेक्ट होता है तो जो इफेक्टिवनेस या इम्पेक्ट का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दैट इज एक्शन स्पेक्ट्रम तो यहां देखिएगा जैसे प्रिज्म पे व्हाइट uh, लाइट को इंसिडेंट किया तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट या वेरिएबल स्पेक्ट्रल कंपोनेंट है और इनके अंदर जो ब्लू और रेड रीजन है तो वहां देखिएगा ज्यादा है और फोटोसिंथेसिस बच्चों वहां ज्यादा है तो ओटू का प्रोडक्शन भी क्या है ज्यादा है क्लियर तो ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक्सपेरिमेंट है अब यहां अकॉर्डिंग ऑप्शन देखिएगा सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो ग्रीन लाइट लीड टू गीज ऑक्सीजन प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं ग्रीन लाइट पे फोटोसिंथेसिस uh, मिनिमाइल होता है मैग्जिमल होता ही नहीं तो वहां पर कैसे वो हो जाएगा इनकरेक्ट हो गया ग्रीन लाइट इज एब्जोर्ड मैगजिम बाय स्पायर इससे मीन ही नहीं रेड लाइट क्योंकि एब्जॉर्प्शन ही एक्शन स्पेक्ट्रम है रेड लाइट रिजल्ट इन मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रोडक्शन बिल्कुल करेक्ट है कि रेड लाइट पे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन मैक्सिमम हो रहा है तो वहां पर जो है, वो हो रहे है तो ये आपका करेक्ट आंसर लाइट तो, तो भैया है, है नेचर के अंदर और वो तो हेट्रोट्रोपिक तो वो पॉसिबल नहीं है क्लियर और अपन तो जानते हैं कि भी मेनली बैक्टीरिया मेनली अकोमलेट इन रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड

क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन तो देखिए स्टूडेंट की जो फोर्टी नाइन क्वेश्चन है वो इकोलॉजी से रिलेटेड है और इकोलॉजी में जो सक्सेशन होता है सक्सेशन टू टाइप के होते हैं प्राइमरी सक्सेशन सेकेंडरी सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट वेयर जो बेरन रॉक होती है यानी ऐसे प्लेस जहाँ पहले से किसी टाइप का कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं हो और आप जानते हो सेकेंडरी सक्सेशन की ऑर्गेनिक मैटर है सोयल ऑलरेडी है बट आप जानते हो कि कोई ना कोई जो इवेंट हो गई उससे वो जो

ब्लैक uh, पार्ट है या जो ब्लैक ब्लॉक है वो वैली को शो कर रहा है और जो लाइट है वो स्लोप को शो कर रहा है अब आप समझ सकते हो कि जो ऑप्शन फर्स्ट था रिकवरी अलोंग द द स्लोप स्लोप तो फास्टर ड्यूरिंग मिडिल स्टेज तो यहां कि की बिल्कुल करेक्ट क्लियर नेक्स्ट अपन ऑप्शन लेते हैं द रिकवरी स्लोअर ड्यूरिंग द मिडिल स्टेज ऑफ सक्सेशन आफ्टर एज कंपेयर टू वैली तो यहां पर देखते हैं कि भी रिकवरी ऑफ स्लोफ स्लो रिकवरी द स्लोफ इज स्लोअर ड्यूरिंग द मिडिल स्टेज ऑफ सक्सेशन एज वैली तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है फिर द सक्सेशन सक्सेशन सेट इन फास्टर एलोंग द वैली देन द स्लोफ

आंसर है आप समझ गए कि मल्टीपल है, तो uh, है, है, uh, तो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों इकोसिस्टम uh, के अंदर जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन है यानी कम्युनिटी के अंदर जो इंटर स्पेसिफिक पॉपुलेशन इंटरेक्शन है क्लियर आप जो पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं तो देखिएगा

को शो कर रहा है और वो प्रे भी है क्योंकि प्रोड्यूसर्स को हरबीवर्स कंज्यूम करते हैं तो उनके लिए ऊपरे और जो हरबीओ हैं वो प्रेडेटर्स हैं यस और आप समझ सकते हैं कि एच वन हियर हरबीओर एंड सी वन एंड सी टू इज कार्निवर

इंडरेक्ट तो बच्चों आप समझ सकते हो कि इनडायरेक्ट इंडायरेक्ट म्यूचुअलिज्मीन सी वन एंड पी वन इन एस तो बच्चों आप समझ सकते हो पॉसिबल हो सकता है इनडायरेक्ट म्यूचुअलिज्म क्योंकि देखो ये C1 है और ये P1 आप समझ सकते हैं कि प्रोड्यूसर है तुम जानते हो कि प्रोड्यूसर और कार्विवर्स का सेम टाइम इवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो डायरेक्ट म्यूचुअलिज्म तो यहां पॉसिबल नहीं को इवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है क्लियर लेकिन आप समझ सकते हो कि इनमें इनडायरेक्ट म्यूचुअलिज्म कैसे है? कि ये हर्ब्योर्स है ठीक है अब आप समझ सकते हो कि देखो कि प्रोड्यूसर को कंज्यूम करते हैं हर्ब्योर्स और हर्ब्यस को कार्निवर्स अब कार्निवर्स को बेनिफिट हो गया किससे प्रोड्यूसर से क्योंकि प्रोड्यूसर अगर अच्छे हैं प्रोड्यूसर अगर अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं एक्सेसिव ग्रोथ में है तो हर्ब्योर्स बेटर होंगे और हर्ब्य बेटर होंगे तो बेटर न्यूट्रिशन को गेन कर पाएंगे कौन कार्निवर्स तो ये बात होगी

तो देखो कि ए, क्यों के अंदर पी वन और पी टू तो आप समझ सकते हो कि प्रोड्यूसर्स हैं और ए, सेम स्पेज है तो वहां लाइट के लिए लाइट के लिए दोनों में क्या हो सकता है कॉम्पिटिशन हो सकता है तो ये भी आपका करेक्ट है तो ऑप्शन सेकेंड भी क्या हो गया बच्चों करेक्ट हो गया क्लियर अब देखिएगा कि कॉमन सलिज्म बिटवीन सी वन एंड सी टू इन पी तो आप पी में देखिएगा कि सी वन और सी में कॉमन सलिज्म ऐसा रिलेशन यहाँ पर कुछ ही नहीं कि दोनों और सर कॉमन सेलिज्म का तो कोई क्वेश्चन उठता कि प्लस जीरो इंटरेक्शन होता है unharmed, कुछ भी नहीं है और फोर्थ है इनडायरेक्ट म्यूचुअलिज्मीन सी वन एंड सी टू इन आर तो आर में देखो इनडायरेक्ट म्यूचुअलिज्म ऐसा कुछ भी नहीं डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है तो क्वेश्चन का आंसर आपका फर्स्ट एंड सेकेंड हो गया तो ये क्वेश्चन थे बच्चों तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत लॉजिकल है यानी आपको सब्जेक्ट बहुत डेप्थ से पढ़ना चाहिए और एन की लाइन स्कोर एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन होते हैं उन पर थोड़ा सा ये माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन हैं तो बहुत ही अच्छा आपका ये पेपर रहा होगा आ, इसके लिए आपको अगेन बेस्ट ऑफ लक और आप सी के इस प्लेटफॉर्म पे इन क्वेश्चनस को आपने देखा है तो सी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आप जानते हो कि नीट के लिए कोचिंग है और नीट जेई जो भी ओलंपियाड एग्जाम है प्री फाउंडेशन इनके लिए तो थैंक्स वेरी मच तो अब बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की विच इज ट्रू अबाउट प्रोटीन ट्रांसलोकेशन अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा अप्रोच काफी हायर लेवल की है बेटा एक प्रोसेस होता है प्रोटीन सोल्टिंग प्रोटीन सोल्टिंग तो पहले बात करें अपन क्या होती है प्रोटीन सोर्टिंग प्रोटीन सोल्टिंग और प्रोटीन टारगेटिंग जिसकी हेल्प से जो प्रोटीन बनती है राइबोजोम साइज द प्रोटीन उनको आप उनके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोटीन सॉर्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम देयर टू तो देयर फाइनल डेस्टिनेशन इस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोटीन सॉर्टिंग अब प्रोटीन सॉर्टिंग जो है कभी आपने इतना अप्रोच पढ़ा होगा माइटोकोन्डिया में भी है क्लोरोप्लास्ट

लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट ये होगा और जैसे यहाँ प्रोटीन बनेगी वो प्रोटीन किसमें एंटर एंटर होती है Membrane में देन इनटू द ल्यूमेन दैट इज प्रोटीन सॉर्टिंग तो उसने बोला राइबोसोम कैन रिकॉग्नाइज द सिग्नल सीक्वेंस तो जो सिग्नल सीक्वेंस होते हैं प्रोटीन में राइबोसोम रिकॉग्नाइज नहीं करेगा बेटा और रिकॉग्निशन कौन करेगी ई आर में कुछ ट्रांसलोकेट प्रोटीन होती है विच रिकॉग्नाइज द सिग्नल सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन तो स्टेटमेंट यहाँ क्या हो जाएगा ये रॉन्ग हो जाएगा ये क्वेश्चन बेटा मल्टीपल वाला आगे। इसमें आंसर जो है एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं सही है। देखो यहां चल रहा है, प्रोटीन ट्रांसलोकेशन जैसे ही बन रही है वो सीधा किसमें विद इन दर तो यहाँ स्टेटमेंट ये क्या होगा करेक्ट होगा फुली फोल्डेड प्रोटीन कैन एंटर दर याद रखना बेटा अगर प्रोटीन फुली फोल्डेड हो गई है बाहर तो फिर वो ई ER आर में एंटर नहीं होगी फुली फोल्डेड प्रोटीन में जो रिकोगशन सीक्वेंस होते हैं उनको हटा दिया जाता है और विदाउट रिकन सीक्वेंस उस प्रोटीन को कोई रिकॉग्नाइज करेगा नहीं जो प्रोटीन ट्रांसलोकेट है तो यहाँ स्टेटमेंट ये भी क्या हो गया सही नहीं होगा आपको केवल करेक्ट यहां पर बताने मेंशन में करने। प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व द फ्री राइबोसोम विच है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्री राइबोसोम है उनसे जो प्रोटीन बनी है वो प्रोटीन भी क्या होगी प्रोटीन में चली जाती है तो यहां पर स्टेटमेंट ये भी क्या होगा करेक्ट होगा तो यहां पर आंसर कौन कौन से सही है सेकेंड एंड फोर्थ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये बायोमोलिकल क्वेश्चन बेटा कि प्रोलीन जो अमीनो एसिड है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ यहां पर क्वेश्चन पूछा थोड़ा अप्रोच की भी हाई है प्रोलीन इतना तो आपको पता है बेटा प्रोलीन जो अमीनो एसिड है उसकी स्ट्रक्चर थोड़ा नेचर बताते हैं अपन बात कर ही लेते हैं जानते बेटा प्रोलीन जो है वो साइक्लिक अमीनो एसिड है ये है प्रोलीन जिसमें अमीनो ग्रुप नहीं होता यहाँ पर ये यह कौन सा हो गया बेटा इमीनो ग्रुप हो गया क्योंकि नेचर तो तो प्रोलिन में पहला स्टेटमेंट है हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड तो बेटा याद रखना प्रोलिन जो है वो एक्सेप्शन है ये हाइड्रोफोबिक नहीं होता ये हाइड्रोफिलिक है तो यहां पर इस पे अपन नहीं जाएंगे

के फॉर्म में निकल चुका है तो यहां पर यह भी नहीं रहेगा अब यह नहीं रहेगा तो ये कभी किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा और आपको पता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं हेलिकल फॉर्म में होती है तो जहां प्रोलिन आ गया वहां पर वो वह हेलिकल फॉर्म में नहीं जाएगा वहां पर आ जाएगा किंक तो ये कह रहा है अनेबल टू अटेन द रिक्वायर प्रोटीन कन्फर्मेशन अनेबल तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या हो गया सही हो गया जो प्रोटीन कन्फर्मेशन है जो होनी चाहिए थी हेलिकल फॉर्म में अगर प्रोलिन आ गया तो उसको हेलिकल फॉर्म में उस एरिया जो है उस एरिया को हेलिकल फॉर्म में कन्वर्ट होने नहीं देगा तो स्टेटमेंट क्या हो गया करेक्ट है इट कॉज कोल इन अल्फा हेलिक्स अभी बताया मैंने इसकी वजह से जहां होगा वहीं क्या आएगा किंक आएगा क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन प्रोवाइड नहीं करवाएगा तो स्टेटमेंट ये भी करेक्ट है इट फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड एज एन एमाइड बिल्कुल सही है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं एंड नाइट्रोजन इज नॉट बाउंड टू एनी हाइड्रोजन देख लो यहां पर जो नाइट्रोजन है उसके साथ अब हाइड्रोजन नहीं रहेगा क्यों क्योंकि पेप्टाइड फॉर्मेशन में हाइड्रोजन जो है रिमूव हो जाएगी तो स्टेटमेंट ये भी करेक्ट है यहाँ पर तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए टू थ्री एंड फोर थोड़ा सा बायोकेमिकल नेचर आ गई बायोमोलिक्यूल से डाउन की अप्रोच जो है अब वाइड अप्रोच रहेगी रहेगी ओके अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की

क्योंकि प्रोक्सेसो में स्पेसिफिक एंजाइम है जो मैथेनोल जो है उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तो स्टेटमेंट ये भी क्या है दे ग्रो इन इन साइज इनकॉर्पोरेटिंग प्रोटीन एंड लिपिड द एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम तो ई ER आर से प्रोटीन बनेगा आरई आर से एसईआर से लिपिड बनेंगे और लिपिड प्रोटीन जो है दोनों इसके कंपोनेंट्स है प्रोसेसो में मेम्रेन प्रेजेंट है तो क्या बता रहा है ये साइज जो है उसकी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो सकती है ठीक है तो स्टेटमेंट ये भी क्या हो गया करेक्ट हो गया तो यहां पर मल्टीपल है तो वन थ्री एंड फोर्थ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन है ये तो एनसीआरटी की सी फॉर प्लांट है वो ज्यादा एफिशियंट क्यों है बेटा फोटोसिंथेटिक मशीनरी एफिशियंट क्यों है तो उसके आपको रीजन बताने बहुत सिंपल क्वेश्चन है पेप केज दैट हैज हायर एफिनिटी फॉर सी ओ टू एंड नोट एफिनिटी फॉर ओ टू बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जानते हो सी फोर प्लांट क्रेन जेनाटोमी मीजोफिल सेल एंड बंडल सीड सेल जो मीजोफिल सेल है उनमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है बेटा पेप केज एंड पेप केज जो उसकी एफिनिटी केवल सीओ टू के साथ है ऑक्सीजन उसका सबस्ट्रेट नहीं है तो ये भी एक रीजन है ओके ये आंसर भी होगा द एंटायर डार्क रिएक्शन बींग कैरीड इन साइड द सिंगल सेल सी फोर प्लांट है उनमें मीजोफिल सेल और बंडल सेल दोनों में डार्क रिएक्शन परफॉर्म है दोनों में सी फोर पाथवे भी होगा सी थ्री पाथवे भी इसमें परफॉर्म होगा तो डार्क रिएक्शन केवल एक में नहीं है दोनों डार्क रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे ओके okay, तो यहां पर स्टेटमेंट क्या हो गया ये रॉन्ग हो गया सीओ टू बीसेंट्रेटेड इन बंडल सीथ सेल एट द एक्सपेंस ऑफ ए टीपी सी फोर पाथवे पढ़ाया बेटा आपने जब एक सीओ टू मोलिक्यूल को इधर ट्रांसफर करेंगे अपन सी फोर पाथवे तो यहां पर एक्स्ट्रा एटीपी का क्या होता है कंजप्शन हो जाता है

एक इनफॉर्मेटिव क्वेश्चन है बेटा अच्छा क्वेश्चन है इसने एक कंडीशन है आपको एक एग्जाम्पल दिया टू तो सिक्स में डी सी पी आई पी इसने एक बता दिया खुद ही चल के वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ओके टर्न कलरलेस फ्रॉम ब्लू कलर ब्लू कलर से कलरलेस हो जाता है कब एडेड टू द सस्पेंशन कंटेनिंग द माइट्रोकोन्ड्रिया ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है अगर इसने इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया तो ये ब्लू कलर से कलरलेस हो जाएगा ये कंडीशन इसने खुद ने दी है डज दिस इंडिकेट ये किसको इंडिकेट कर रहा है इसने बोला कि माइटोकोन्ड्रिया का सस्पेंशन है कोई सोलटोकोड्रिया और वहां पर अपने ऐड कर दिया डी सी पी आई पी ओके और ये कलरलेस हो जाता है तो सीधी सी बात इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया रिसीव किया है

एक्ट एज द रेस्पिरेटरी सबस्टेट ये गलत हो गया बेटे रेस्पिरेटरी सब नहीं होगा तो यहाँ पर आंसर क्या होने चाहिए एक तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ओके